गुड इवनिंग नमस्कार सभी को उम्मीद है सभी बच्चे जुड़ गए होंगे तो एक बार ऑडियो अगर क्लियर है तो आप सभी लोग एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में थम्स अप शो कर दीजिए सारी चीजें ओके okay है ऑडियो वीडियो चलिए हो उम्मीद है आप लोगों को आवाज मेरी एकदम क्लियर हो रही होगी तो आज के सत्र को प्रारंभ किया जाए सेशन को शुरू करते हैं, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा चलिए तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज से हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिष्मता का कोर्स जो है वो प्रारंभ हो रहा है तो शिक्षण अभिषमता का ये जो कोर्स है ये मेरे साथ आपका आरंभ बैच के तहत हो रहा है और उस कोर्स को हम आज से शुभारंभ कर रहे हैं तो इसी सेशन पर आगे बढ़ते हैं तो आज के सेशन को शुरू किया जाए आ, आपका स्वागत है सभी का अन अकेडमी के यूजीसी नेट के इस चैनल पर तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक हल्की फुल्की जानकारी अपना परिचय मेरे से आप परिचित हैं ही मैं ज्योति जोशी और मुझे करीबन टीचिंग फील्ड में जो है वो दस से अधिक वर्षों का अनुभव जो है यहाँ पर है तो यहाँ पर एक बार के प्लेटफॉर्म पर यानी कि अनअकेडमी की, की एप्लीकेशन जो कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी अगर आप कंप्लीट बैच करना चाहते हैं पेपर वन और पेपर टू का तो अनकेडमी की लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको एनटीए यूजीसी नेट का कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा दो तरीके के कोर्स हैं जैसा कि मैंने आपको हर समय पिछली बार भी बताया था प्लस कोर्स है और आइकॉनिक कोर्स है प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स में डिफरेंस ये है कि आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्टिकुलर मैं आपका एक मार्गदर्शक जो है वहां पर मिल जाएगा जो कि आपको यूजीसी नेट की तैयारी की इस यात्रा में कहीं ना कहीं आपको व्यक्तिगत रूप से सहायता करेगा ठीक है बाकी आइकॉनिक की ये जो फैसिलिटी है वो प्लस में नहीं है बाकी सारी फीचर्स जो है वो प्लस में भी सेम है तो यहाँ पर आपका 24 महीने का कोर्स भी आपको उपलब्ध हो रहा है 12 महीने का भी है 9 महीने का भी है 6 महीने का भी है और फी जो है यहाँ पर आपकी मेंशन की हुई है <coughs> ये जो फी आपकी स्क्रीन पर है ये दस प्रतिशत डिस्काउंट के बाद है फी में डिस्काउंट कब मिलेगा जब आप रेफरल कोड लगाएंगे जो कि है लाइव एल आई ई जे जे ठीक है ये मेरा रेफरल कोड है इसको लगाने पर आपको मेरा मार्गदर्शन तो मिलेगा ही साथ में फीस में दस प्रतिशत की छूट भी मिल जाएगी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे इन पार्ट लोन ई एम आई नेट बैंकिंग और पे इन कैश के माध्यम से भी आप जो है अपना कोर्स जो है वो ले सकते हैं ठीक है चलिए तो आज के सेशन का पहला टॉपिक शिक्षण की अवधारणा शिक्षण की विशेषता और उद्देश्यों के संदर्भ में आज के इस सत्र में हम लोग जानेंगे ठीक है विषय पर आने से पहले इसका एक संक्षिप्त कोर्स जो है क्या है सिलेबस है उसे हम देख लेते हैं ठीक है चलिए चलूँ उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है गुड इवनिंग नमस्कार सभी बच्चों को जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्रणाम सभी को ठीक है आपका स्वागत है और एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए सारी चीजें ओके है थम्स अप है तो हम लोग आगे चले ठीक है <coughs> चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए आज के सेशन को फिर हम आगे प्रारंभ करते हैं ठीक है चलिए हम बात कर लेते हैं शिक्षण की अवधारणा की आखिर टीचिंग क्या है और क्या अवधारणा है क्या क्या कॉन्सेप्ट इस टीचिंग के अंतर्गत शामिल होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं Uh, आप आगे थ्योरीज भी पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरीज और वहां पर भी हम ये चीज ध्यान देंगे कि आखिर टीचिंग क्या है लर्निंग किसे कहते हैं लेकिन जो बेसिकली क्या है जरूरी नहीं है कि uh, सामान्य रूप से जब हम सामान्यतः तो शिक्षण की अवधारणा को जानते हैं तो हम कहते हैं कि टीचिंग जो है वो एक क्लासरूम के अंदर होती है जहां पर एक शिक्षक होता है और शिक्षार्थी होते हैं शिक्षक ज्ञान देता है और शिक्षार्थी उसका अधिग्रहण करते हैं ये एक सामान्य अर्थ है जो कि हम जानते हैं शिक्षण का लेकिन एक दूसरे अर्थों में यदि हम देखें शिक्षण को तो हम ये कहेंगे कि शिक्षण जो है वो ज्ञान का साझाकरण है ठीक है यानी कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है ज्ञान का साझाकरण है और इसके माध्यम से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं अनुभव प्राप्त कर रहे हैं ठीक है शिक्षण के माध्यम से या फिर टीचिंग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं एक मोर नॉलेजेबल पर्सन है एक, एक आपसे अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति है जो कि आप अपने से कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति को कोई ज्ञान दे रहा है ठीक है इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि शिक्षण के माध्यम से ज्ञान का अधिग्रहण भी किया जाता है और ज्ञान के अधिग्रहण के साथ साथ क्या किया जाता है अनुभव भी शेयर किए जाते हैं एक्सपीरियंस भी बांटे जाते हैं ठीक है थीके? तो ये एक सिंपल सी, सिंपल सी सा एकप्ट है शिक्षण का जो कि आपको यहां पर जानना है तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने वाला जो है वो शिक्षार्थी कहलाएगा स्टूडेंट कहलाएगा छात्र कहलाएगा ठीक है और जो ज्ञान दे रहा है जो कि अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा वो शिक्षक कहलाएगा एक और चीज है इस अवधारणा में ये चीज और ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखते हुए चलना है जो मैं यहां पर मौखिक रूप से आपको बोल रही हूँ इन स्टेटमेंट का फायदा ये होगा कि क्वेश्चन जब आएंगे तो उनमें स्टेटमेंट दी जाएगी शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है सही कोड का चयन कीजिए तो आप इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर पाएंगे जब आप इन स्टेटमेंट्स को सुनेंगे ठीक है अब यहां पर एक चीज कही मोर नॉलेजेबल यानी ज्यादा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कौन है शिक्षक है वो अपने से कम ज्ञान या कम अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अपना ज्ञान का साझाकरण करता है साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया में जो शिक्षक है जो टीचर है वो प्रभावित करता है किसे प्रभावित करता है अपने शिक्षार्थी को प्रभावित करता है किसके माध्यम से अपने ज्ञान के माध्यम से प्रभावित करता है तो प्रभावित करने वाला यहां पर व्यक्ति कौन हुआ प्रभावित करने वाला शिक्षक हुआ और शिक्षार्थी है जो कि शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण से प्रभावित होता है प्रभावित कैसे होता है उसके बिहेवियर में चेंज आता है बिहेवियर में एक व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन आता है एक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पर हम कहेंगे प्रभावित करने वाला शिक्षक है और प्रभावित होने वाला कौन है प्रभावित होने वाला शिक्षार्थी है ठीक है एक और स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण के संदर्भ में दो स्टेटमेंट यहां पर आती हैं कि शिक्षण भाई दो ध्रुवीय प्रक्रिया है या फिर शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है है ठीक यानी कि शिक्षण जो है वो बाइपोलर भी है और ट्राइपोलर भी है ठीक है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहां पर टीचिंग के अर्थ में ठीक है अगर हम कहें कि शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ठीक है तो दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है दो ध्रुवीय प्रक्रिया कैसे सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि दो ध्रुव कौन है शिक्षण की प्रक्रिया के एक शिक्षक है और दूसरा शिक्षार्थी है ठीक है इसीलिए हम इसको बायपोलर कह रहे हैं दो ध्रुव कह रहे हैं एक तरफ टीचर है दूसरी तरफ स्टूडेंट है दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या कहा शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है अब जब हम बता रहे हैं कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है तो इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए यहां पर दो वक्तव्य जो हैं वो सामने आते हैं कैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दो ध्रुवीय प्रक्रिया में हमने शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल किया लेकिन त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में हम किसको शामिल कर रहे हैं हम शिक्षक को भी शामिल कर रहे हैं हम शिक्षार्थी को भी शामिल कर रहे हैं लेकिन इन दोनों के साथ साथ हम विषय वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम को भी शामिल कर रहे हैं ठीक है इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है <assistant throatities> यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया के तीन ध्रुव कौन से हुए शिक्षक एक निश्चित विषय वस्तु को तो अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाता है यानी कि शिक्षक एक निश्चित विषय वस्तु के अनुसार अपने शिक्षार्थियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और शिक्षार्थी उस विषय वस्तु जो उसका टीचर उन्हें पढ़ा रहा है उससे प्रभावित भी होते हैं उससे उनका बिहेवियर में कुछ चेंज भी आता है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है जो सिद्ध कर रहा है कि शिक्षण यानी टीचिंग एक ट्राइपोलर जो है प्रक्रिया है ट्राइपोलर प्रोसेस है दूसरी चीज जो कि ये सिद्ध कर रही है इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ट्राई ट्राइपोलर प्रोसेस कैसे है तो अगला जो प्रोसेस है वो उसमें तीन ध्रुव कौन कौन से शामिल किए गए हैं पहला है शैक्षिक उद्देश्य ठीक है शैक्षिक उद्देश्य के साथ साथ शैक्षिक अनुभव यानी सीखने का अनुभव ठीक है और तीसरा आ जाता है व्यवहार में परिवर्तन किस उद्देश्य से शैक्षिक गतिविधियां रची गई शैक्षिक उद्देश्य दूसरा उस शिक्षण प्रक्रिया से क्या लर्निंग हुई तो सीखने का अनुभव उसमें आ गया उस लर्निंग से बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन हुआ तो व्यवहार में संशोधन आया ठीक है तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है दो वक्तव्यों से हमने सिद्ध किया कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है अगर आता है शिक्षक शिक्षार्थी और विषय वस्तु वो भी करेक्ट है अगर आता है शैक्षिक उद्देश्य सीखने के अनुभव और व्यवहार में वांछित परिवर्तन तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ठीक है उम्मीद है आपको यहां पर चीजें क्लियर होती जा रही होंगी ठीक है बीच बीच में कमेंट देख लू कई बार ऐसा हो जाता है मैं बोलती जाती हूं और पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया चलिए तो आज का सत्र आगे बढ़ाते हैं एक स्टेटमेंट्स आपके सामने आती जाएंगी जिन्हें की आपने यहाँ पर देखना है ठीक है ध्यान से समझना है ध्यान से देखना है चलिए ये तो सिलेबस है ठीक है सिलेबस कल मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया था क्या क्या सिलेबस आ रहा है आपका तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं वो ये वाला टॉपिक है हमारा ठीक है ये वाला टॉपिक है सिर्फ यहाँ तक अभी हम लेने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक रिक्वायरमेंट भी इसका हिस्सा सिलेबस का लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता तो अडोलसेंस और यानी कि किशोर और व्यस्त शार्थियों दोनों को हम इसमें शामिल करेंगे और शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व को भी हम सिलेबस का हिस्सा मान के चल रहे हैं और मेथड ऑफ टीचिंग हायर एजुकेशन लेवल पर कौन से मेथड है और छोटे बच्चों को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं कौन से टीचर सेंटर्ड है कौन से स्टूडेंट सेंटर्ड है, से है? स्वयं क्या है स्वयं प्रभा क्या है मूक्स क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं हर बार आपसे कहती हूँ स्वयं स्वयं प्रभा और मूक्स क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट का भी हिस्सा है हायर एजुकेशन की यूनिट का भी हिस्सा है आईसीटी का भी हिस्सा है तो तीनों यूनिट में ये शामिल होने होने के कारण यहाँ पर आपकी स्वयं योजना स्वयं प्रभा और मूक्स तो इतना शामिल नहीं है अन्य यूनिट में लेकिन स्वयं और स्वयं प्रभा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल मॉडर्न आईसीटी बेस्ड इवेलुएशन सिस्टम ये भी अपने आप में कल भी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन की यूनिट जिसमें टाइप ऑफ इवेलुएशन से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है थीके? और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये सारी आपका सिलेबस का हिस्सा था आगे चलते हैं बात कर रहे थे हम शिक्षण की अवधारणा की ठीक है टीचिंग के कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे चलिए आगे चलते हैं तो शिक्षण की अवधारणा पर हम चर्चा कर रहे थे तो यहां पर देख लेते हैं कोई बच्चा यहां पर है जो कि अंग्रेजी माध्यम का जुड़ा हुआ है अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हमारे बीच में जुड़े हुए हैं या हिंदी माध्यम के ही सभी बच्चे हैं अगर अंग्रेजी माध्यम का कोई बालक है हमारे बीच में तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए आपके कमेंट का ही वेट है केवल अंग्रेजी माध्यम का यदि कोई है तो मुझे वो बच्चा बता दे क्योंकि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पीपीटी को तैयार करने में अगर हिंदी माध्यम के अधिकांश बच्चे हैं तो मैं केवल हिंदी में विषय वस्तु यहाँ पर लेकर के आऊंगी अभी भी जो लाइव चैट में अवेलेबल हैं वो भी जरा एक बार कमेंट कर देंगे अगर लाइव चैट नहीं बाद में अगर कोई वीडियो देख रहे हैं और कोई इंग्लिश माध्यम का बच्चा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप इंग्लिश माध्यम के हैं आपको इंग्लिश में पीपीटी चाहिए या फिर हम हिंदी माध्यम के ही हैं सभी तो हिंदी में ही पीपीटी लेकर के आएंगे ओके जी सब हिंदी माध्यम वाले ही विद्यार्थी हैं चलिए अधिकांश हिंदी माध्यम के ही हैं है ना चलिए आगे चलते हैं हम बात कर रहे थे शिक्षण क्या है तो यहाँ पे क्या कहा गया है शिक्षण एक प्रक्रिया है एक प्रोसेस है ठीक है आमतौर पर कक्षा स्थिति में संपन्न होता है ज्यादातर एक क्लासरूम सिचुएशन में ही इसको संपन्न किया जाता है कक्षा होती है उसमें शिक्षक शिक्षार्थी शामिल होते हैं है ना तो शिक्षण की प्रक्रिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ज्ञान का हस्तांतरण है या फिर ज्ञान को साझा करने की एक प्रक्रिया है यहां पर केवल हम ज्ञान का हस्तांतरण ही नहीं कहेंगे बल्कि एक्सपीरियंस भी शेयर किए जाते हैं ठीक है तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले तो शिक्षण एक प्रक्रिया है ये एक स्टेटमेंट है एक प्रोसेस है ठीक है क्या किया जाता है आमतौर पर कक्षा स्थिति में संपन्न हो रही है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ज्ञान का हस्तांतरण इसमें किया जाता है या ज्ञान का साझाकरण किया जाता है ठीक है चलिए अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है जो व्यक्ति अपने ज्ञान को स्थानांतरित करता है उसे शिक्षक कहते हैं ज्ञान को बांट रहा है वो कौन है वो शिक्षक है और जो उसे प्राप्त कर रहा है वो छात्र के रूप में जाना जाता है विशेष कार्य क्या है ज्ञान प्रदान करना कौशल विकसित करना ठीक है ज्ञान भी दे रहा है बच्चों के अंदर वो स्किल डेवलप करना चाहता है कौशल का विकास करना चाहता है जानकारी को साझा किया जाता है बताया जाता है कुछ चीज प्रदर्शित की जाती है शिक्षण के संबंध में जो शिक्षा के तीन केंद्र बिंदु है हमने क्या कहा था शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है कैसे शिक्षक छात्र और विषय वस्तु ये शिक्षण की प्रक्रिया को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बनाती है जब इन तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित होता है तो हम उस प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं ठीक है यानी कि शिक्षक जब एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चे को ज्ञान जो है वो हस्तांतरित करता है तो ऐसी प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है क्लियर होगा ठीक है अब साथ ही यहाँ पर क्या बोला गया है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र को विषय वस्तु जो है छात्र और विषय वस्तु को एक साथ लेकर के आता है शिक्षण शिक्षक ना केवल बता रहा है बल्कि वो परीक्षण भी कर रहा है है ना टीचिंग होने के बाद इवेलुएशन होता है जो कि शिक्षण का एक अंतिम चरण है तो अंत में वो इवेल्युएट भी करेगा कि मेरे बच्चों ने कितना सीखा कितना ज्ञान प्राप्त किया कितना आता है कितना नहीं आता है और क्या समस्या आ रही है उसको विषय वस्तु को समझने में तो इवैल्यूएशन भी होता है तो इसलिए यह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुभवों और गतिविधियों की सत्यता के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला यहां पर बताई गई है अब हम यहां पर बात करेंगे शिक्षण के विभिन्न अर्थों की ठीक है हम किस पर चर्चा करेंगे शिक्षण के विभिन्न अर्थों की यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर जानेंगे शिक्षण तीन दृष्टिकोणों के अनुसार ठीक है जिस तरीके से समाज के स्वरूप अलग अलग होते हैं है ना हम कहते हैं शिक्षण एक प्रक्रिया है लेकिन यहां पर हम ये भी स्टेटमेंट सामने रखेंगे कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया कैसे है जिस सोसाइटी में जिस समाज में जिस तरीके के सामाजिक मूल्य रहेंगे जिस तरीके के सांस्कृतिक मूल्य रहेंगे जिस तरीके के दार्शनिक विचारक वहां पर रहेंगे उसी तरीके की शिक्षण व्यवस्था भी वहां पर हो जाती है है ना तो कहीं ना कहीं शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया हुई शिक्षक और शिक्षार्थी स्वयं समाज का हिस्सा हैं यह चीज आपने सोची है, हम सब क्या है एक सोसाइटी का हिस्सा है शिक्षक भी समाज का हिस्सा है शिक्षार्थी भी समाज का हिस्सा है इसलिए शिक्षण अपने आप में एक सामाजिक प्रक्रिया है तो जिस तरीके की सामाजिक सांस्कृतिक दार्शनिक व्यवस्था होगी समाज में उसी आधार पर शिक्षण के तीन अर्थ यहां पर हम ले रहे हैं कौन कौन से तीन अर्थ हैं एक है शिक्षण का सत्तावादी अर्थ यानी कि ऑटोक्रेटिक मीनिंग ऑफ टीचिंग दूसरा है शिक्षण का लोकतांत्रिक अर्थ यानी कि डेमोक्रेटिक मीनिंग ऑफ टीचिंग तीसरा है लेजेसफेयर मीनिंग ऑफ टीचिंग यानी कि अहस्तक्षेप शिक्षण का अहस्तक्षेप के रूप में अर्थ अहस्त फेयर क्या है पहले इसको हम समझ लेते हैं लेजेसफेयर एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सरकार का नागरिकों के आर्थिक व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता यानी कि वो नागरिकों को आर्थिक क्रियाओं में आजाद छोड़ देता है वो इकोनॉमिक चीजों में इंटरफेयर नहीं करता ठीक है तो इसलिए लेजिस फेयर या फिर अहस्तक्षेप की नीति के तौर पर भी हम इसको जानते हैं अब एक एक करके इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे कि इन तीनों के अनुसार शिक्षण का अर्थ क्या है तो यहां पर यही चीज कही गई है शिक्षण भी एक सामाजिक प्रक्रिया है हमने क्या कहा टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस यदि ये स्टेटमेंट आती है तो ये भी बिल्कुल सही है क्यों करेक्ट है क्योंकि स्टूडेंट और टीचर स्वयं समाज का हिस्सा है और जिस तरीके की सामाजिक सांस्कृतिक दार्शनिक विचारधारा समाज में होगी शिक्षण भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार का होगा कैसे होगा ये हम आगे चर्चा करेंगे ठीक है तो यहां पर यही कहा गया है जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक दार्शनिक मूल्यों से प्रभावित होता है और इस कारण से इसे सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है वो तीन तरीके कौन कौन से हैं जिसको हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑटोक्रेटिक मीनिंग ऑफ टीचिंग शिक्षण का सत्तावादी अर्थ डेमोक्रेटिक मीनिंग ऑफ टीचिंग शिक्षण का लोकतांत्रिक अर्थ लेजेफेयर मीनिंग ऑफ टीचिंग तो लेजेफेयर शिक्षण का अर्थ इन तीन विचारधाराओं को यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे ठीक है हाँ जी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्या सभी ने सेशन को लाइक शेयर किया अगर नहीं किया है तो सेशन को लाइक शेयर सभी ने करना है ठीक है चलिए सबसे पहले जानते हैं शिक्षण का सत्तावादी अर्थ यानी कि ऑटोक्रेटिक मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या कहता है एक स्लाइड में आपको दिखा रही हूं चित्र आपको नजर आएगा उससे समझ आ जा जाता है सत्तावादी व्यवस्था कैसी होती है जहां पर एक व्यक्ति जो है वो निरंकुश की तरह व्यवहार करता है या फिर एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक समूह जो है वो निरंकुश की तरह व्यवहार करता है बाकी जो जनता है वो उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होती है ठीक है यानी कि वो उस एक व्यक्ति को फॉलो कर रही है वो कह रहा है जहां चलना है जैसे चलना है उस तरीके से वो उससे अपने नागरिकों से कार्य करवाती है अब शिक्षण जो है इस तरीके का शिक्षण कैसा होता है शिक्षण की प्रक्रिया में निरंकुश कौन होगा इस तरीके की व्यवस्था में शिक्षक ठीक है तो यानी कि अगर हम कहें सत्तावादी प्रकार का शिक्षण का अर्थ क्या है तो हम कहेंगे यहां पर शिक्षक जो है वो तो प्रमुख स्थान में है लेकिन शिक्षार्थियों को गौण स्थान में रखा जाता है प्राइमरी माना जाता है टीचर को और जो स्टूडेंट है उनको सेकेंडरी लेवल पर रखा जाता है ठीक है तो यानी कि सारी शक्तियां सारी पावर किसके हाथ में है टीचर के हाथ में है और स्टूडेंट जो है वो केवल एक निष्क्रिय श्रोता बन करके के कक्षा में बैठा रहता है प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है टीचर से वो भयभीत होता है टीचर का रुतबा ऐसा है कक्षा में कि भाई बच्चे की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती वो चुपचाप से कक्षा में बैठा हुआ है समझ आ रहा है चाहे नहीं समझ आ रहा है वो पूछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करता तो ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है यानी कि सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो शिक्षक का स्थान प्रमुख है शिक्षार्थी का स्थान गौण है शिक्षक जो है वो सक्रिय है लेकिन स्टूडेंट जो है वो निष्क्रिय बने हुए हैं ठीक है उम्मीद है है उम्मीद क्लियर होगा शिक्षण का सत्तावादी अर्थ क्या अब इसमें बच्चे को कुछ भी पूछने की आजादी नहीं है क्या इस तरीके की व्यवस्था में बच्चे का संपूर्ण विकास संभव है आपसे प्रश्न कर रही हूं क्या इस तरीके की व्यवस्था में बच्चे का संपूर्ण विकास संभव है क्या आपको लगता है कि संभव है संपूर्ण विकास इस तरीके की व्यवस्था में बच्चे का हाँ या नहीं सिर्फ इतने में उत्तर देना है आपने वो बधा रहेगा है ना वो बधा रहेगा उसको अपने विकास का अवसर नहीं मिल पाएगा वो निष्क्रिय बैठ रहा है ना तो मानसिक विकास हो पाएगा ना ही वैचारिक विकास हो पाएगा ना भावनात्मक हो पाएगा ना ही अन्य पक्षों का विकास हो पाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक बधी हुई व्यवस्था है कि जिसमें केवल प्रभुत्व में छाया हुआ है शिक्षक ही इसकी भी एक विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं एक सत्तावादी सरकार एक प्रणाली है जिसमें किसी देश या राज्य पर संपूर्ण शक्ति वाले व्यक्ति या समूह का शासन होता है क्या कह रहे हैं किसी एक देश या राज्य में संपूर्ण शक्ति वाले या तो किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक समूह का शासन होता है जब हम सामाजिक राजनीतिक दर्शन यानी कि इस सत्तावादी को हम स्कूल की प्रणाली में बिठाते हैं तो यहाँ पर शिक्षक निरंकुश हो जाता है और शिक्षार्थी के पास कोई भी पावर नहीं रहती ठीक है अध्यापक का स्थान क्या है प्राथमिक है और विद्यार्थी का स्थान जो है वो कौन है यानी कि वो सेकेंडरी लेवल पर आ जाता है शिक्षक शिक्षण के समय सक्रिय रहता है और एक छात्र भयभीत और निष्क्रिय शिक्षार्थी की तरह बैठकर बस निर्देशों को सुनता है और निर्देशों का पालन कर लेता है जो टीचर ने कहा टीचर लिखवा रहा है डिक्टेशन कर रहा है तो वो चुपचाप से लिख लेगा कॉपी में ठीक है वो उतार लेगा जो बोल रहा है चुपचाप से सुन लेगा नहीं समझ आ रहा है तो पूछेगा भी नहीं शिक्षक स्वयं को एक आदर्श मानता है मैं आइडियल हूं और मुझे फॉलो करूँ ठीक है वो फॉलोवर्स बना रहा है अपने ठीक है चाहे वो सही उस बच्चे उससे सहमत भी नहीं है तभी वो कहता है मैं आदर्श हूं तो मुझे ही आप अनुसरण में लाएंगे और लोगों की योग्यता क्षमता दक्षता जरूरतों को जाने बिना ज्ञान को बाहरी रूप से लोगों के दिमाग में जबरदस्ती थोपने की वो कोशिश करता है इंटरेस्ट नहीं है तभी भी ये चीज करो या ये चीज पढ़ो ठीक है रुचि रुझान नहीं है बच्चे की पोटेंशियल है या नहीं ये सारी चीजें वो नहीं देखता है ना अक्सर हमारे समय में इस तरीके के इस तरीके की टीचिंग जो है वो की जाती थी इंटरेस्ट नहीं आता था कुछ विषय होते थे ऐसे जिनमें इंटरेस्ट नहीं आता लेकिन वो जबरदस्ती पढ़ने पड़ते थे है ना तो ये कुछ इस तरीके की व्यवस्था है छात्रों को शिक्षकों की आलोचना करने की कोई इच्छा नहीं होती बच्चों को भी लगता है भाई टीचर है हमारे समय में हम एक दूरी बना करके रखते थे अपने एक शिक्षक से लेकिन आज के समय में तो बच्चे कब आपको हाथ से टच करके बोले मैम 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 ये भी भरोसा नहीं रहता है ना तो यहां पर लेकिन इस तरीके की व्यवस्था है छात्रों को शिक्षकों की आलोचना करने की कोई इच्छा नहीं होती और उन्हें कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति भी नहीं दी जाती और वो पूछते भी नहीं है है ना अगले पे चलते हैं शिक्षण का लोकतांत्रिक अर्थ यानी डेमोक्रेटिक मीनिंग ऑफ टीचिंग ये क्या है एक बेहतरीन व्यवस्था यदि हम अनेक प्रकार की सरकार देखें तो सबसे बेहतरीन आइडियल हम किसे मानते हैं लोकतंत्र को क्योंकि यहां पर जनता का शासन है जनता ही स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है सबको आजादी है है ना स्वतंत्रता है लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि मर्यादा में भी रहना है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जब इतनी बेहतर है तो कक्षा में लोकतंत्र यदि आ जाए तो ये एक बेहतर कक्षा का स्वरूप जो है हम इसे कहेंगे क्योंकि इसमें किसको किसकी आजादी रहेगी शिक्षक भी सक्रिय है जहां आप सत्तावादी प्रकार के शिक्षण में देख रहे थे टीचर एक्टिव था स्टूडेंट पैसिव था यहाँ पर स्टूडेंट भी एक्टिव है टीचर भी एक्टिव है दोनों ही पक्ष जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कोई भय का वातावरण नहीं है खुल करके स्टूडेंट अपने टीचर से बातचीत कर सकता है अगर कोई समस्या है तो अपने टीचर के सामने रख सकता है यहाँ पर शिक्षक अपने बच्चों के रुचि रुझान आवश्यकता उनकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का संचालन करता है बच्चों को अभिव्यक्ति की आजादी है कोई भय का माहौल जो है यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा एक कक्षा शिक्षण में शिक्षक के द्वारा ठीक है तो ये एक बेहतर व्यवस्था है यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि शिक्षण की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे बेहतर व्यवस्था है और कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो एक कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए लोकतांत्रिक होना चाहिए जहां पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रूप में बने रहे ठीक है ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए ये तीन टाइप आप पढ़ रहे हैं बेहतरीन प्रकार का शिक्षण कौन सा होगा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना एक कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए या आ, कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे स्पष्ट होगी तो वहां पर आप क्या कहेंगे जहां पर शिक्षक शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहेंगे कोई भय का वातावरण नहीं रहेगा पूरी फ्रीडम रहेगी बच्चों को अभिव्यक्ति की समस्या समाधान जहां पर होगा वो एक बेहतरीन शिक्षण की व्यवस्था है और वही लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कहलाएगी ठीक है उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो रहा है साथ साथ और ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही होगी क्योंकि इस तरीके का टॉपिक है कि जहां पर आपको एक बार सुन लेना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं साथ 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 दोबारा से कहूंगी एक रजिस्टर साथ में लेकर के चलिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले जाइए ठीक है की पॉइंट्स लिखिए ज्यादा बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है ज्यादा लंबी चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं है की पॉइंट्स जो है वो मैंशन रखिए क्योंकि ये की पॉइंट्स एक स्टेटमेंट के रूप में यदि आपके प्रश्न पत्र में आते हैं तो आप एग्जाम से पहले वो की पॉइंट्स पढ़ करके अपना

जरूरत रुचि रुझान क्षमता और भावनाओं को ध्यान में रखता है यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है और मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूं क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुआ है एक बेहतरीन शिक्षक या फिर एक बेहतरीन शिक्षण कौन सा होगा एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी जहां पर शिक्षार्थियों के रुचि रुझान आवश्यकता भावना क्षमता को ध्यान में रख के शिक्षण किया जाए ठीक है तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है अगर कहीं पर भी ये स्टेटमेंट आती है तो आपने निसंकोच होकर के बिल्कुल इस स्टेटमेंट का चयन करना है एक बेहतरीन शिक्षण वो होगा एक बेहतरीन टीचर वो होगा जो कि अपने बच्चे के रुचि रुझान जरूरत आवश्यकता उनकी पोटेंशियल उनकी कैपेबिलिटी ठीक है उनकी कैपेसिटी इन सबको ध्यान में रख के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का संचालन करेगा तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं ठीक है थीके, तो ये स्टेटमेंट आपको मान के चलना है कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है देखिए टाइमिंग के लिए आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि टाइमिंग चेंज कर दीजिए टाइमिंग जो है वो हमें चैनल की तरफ से अलॉट होती है तो उसमें कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता ये एक निश्चित टाइम टेबल है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा ठीक है आप चाहें तो इस क्लास को अगर अभी लाइव नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं बाद में अपने समय के अनुसार ठीक है जब भी आपको टाइम मिले उस समय आप इसे देख सकते हैं चलिए लोकतंत्र ये आ गया आपका इस प्रकार का शिक्षण युवा लोगों को ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं बल्कि स्वयं के सीखने के सक्रिय सह निर्माता के रूप में देखता है यानी कि स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो निष्क्रिय नहीं बैठे हुए हैं कक्षा में जहां टीचर भी एक्टिव है तो स्टूडेंट भी यहाँ पर एक्टिव बना हुआ है वे एक शिक्षा प्रणाली के उत्पाद नहीं है बल्कि एक जीवंत शिक्षण समुदाय का मूल्यवान भागीदार है बच्चों का भी उतना ही महत्व है जितना एक टीचर को महत्व दिया जा रहा है लोकतांत्रिक शिक्षण एक आधार के साथ शुरू होता है कि हर कोई अद्वितीय है यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कद्र करनी है व्यक्तिगत विभिन्नता की कद्र करनी है हर एक बच्चा अपने आप में खास है इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं कई बार हमारे हमारे समय में भी, भी ये किया जाता था देखो तुम्हारे साथ का बच्चा देखो इतना अच्छा कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो अक्सर ये घरों में बोला जाता है, है ना कि वो देखो तुम्हारे साथ का ही था इतना कुछ कर रहा है तुम अभी तक सो ही रहे हो उसने देखो ये कर लिया उसने वो कर लिया ये कर लिया तो इसको लेकर के बड़ा कंपेरिजन होता था और अभी हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनकी अभी भी आदत है बच्चों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं एक घर में दो बच्चे होंगे उन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं एक घर में एक घर में दो बेटियां होंगी उन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं इससे क्या होता है फैमिली में वो एकता नहीं आ पाती वो एक एक जुटता नहीं आ पाती बच्चों में ईर्षा द्वेष अरे उसको ही हमेशा बेटर बताते हैं ठीक है अब पेरेंट्स क्या है वो वहां पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा करे ये थोड़ा ना चाहते हैं कि वो बच्चे का बुरा चाहते हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा करे तो वो अच्छा करने के चक्कर में गलत नीति फॉलो कर लेते हैं वो थोड़ा सा कंपेरिजन कहीं ना कहीं करने लग जाते हैं तो उस बच्चे को हमेशा लगता है आप पीछे पीछे तो वो दोनों को बोल रहे हैं कि देखो वो तुमसे बेटर है वो तुमसे बेटर है है ना लेकिन उसे क्या लग रहा है हमेशा भैया की तारीफ होती है या हमेशा बहन की उसकी ही तारीफ होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोनों की तारीफ तारीफ के चक्कर में बच्चों के बीच में आपस में एकता नहीं कायम होगी उनके बीच में व्यक्तिगत भेद कायम हो जाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे और वो कभी एक नहीं लगेंगे तो ऐसे में क्या करना है यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस का तात्पर्य क्या है हर बच्चा है खास है कुछ खास योग्यता के साथ वो पैदा होता है अगर हर कईयों को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है मैंने तो बड़ा दिमाग लगाया बड़ा ढूंढा लेकिन मुझे कोई अपने अंदर खासियत नहीं दिखती वो खासियत तलाशने की आवश्यकता होती है उनके रुचि रुझानों को जानने का कार्य कौन करेगा वो काम किसका अभी पीछे स्टेटमेंट हमने देखा था टीचर का काम है या फिर उनके अभिभावकों का काम है कि जो जब वो बिल्कुल एक कच्चे घड़े की, की तरह है उसको सही रूप में कैसे ढाला जाए है ना तो इसलिए रुचि रुझानों को जानने का कार्य कौन किसका होगा अभिभावकों का होगा उनके टीचरों का होगा तो ये कार्य शिक्षक का है इसलिए हर एक बच्चा हर एक विद्यार्थी अपने आप में खास है तो आपने उसकी पोटेंशियल की कद्र करनी है हो सकता है वो औसत हो हो सकता है वो औसत से भी नीचे हो बिलो एवरेज हो है ना तो ऐसे में हर कोई खास है तो आपको हर किसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का संचालन करना है चलिए हां जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षक रचनात्मक रूप से छात्रों को कक्षा में शामिल करता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है यानी कि बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहता है क्रिएटिव पार्टिसिपेशन चाहता है लोकतंत्र में अध्यापक अर्थपूर्ण आनंददायक प्रासंगिक आकर्षण और सशक्त बनाने वाला होता है शिक्षार्थी खुले तौर पर सवाल पूछता है यानी कि समस्या समाधान का अवसर उसे मिलता है और विचारों को वो व्यक्त भी कर सकता है करके जो भी उसके डाउट है वो टीचर के सामने रखेगा या अगर वो सहमत नहीं है उस चीज से वो भी चीज वो सामने रखेगा फिर टीचर उसको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि कैसे कोई चीज सिद्ध की जा सकती है अगली व्यवस्था पर हम चलते हैं जो कि है शिक्षण की लेजेसफेयर व्यवस्था ठीक है जिसे हमने क्या कहा अहस्तक्षेप की व्यवस्था ठीक है अब यहां पर हम क्या कहेंगे ये एक तरीके की की लेजर व्यवस्था छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती क्योंकि छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में टीचर को तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा यदि हम सोचेंगे कि उनकी क्रियाओं में अहस्तक्षेप किया जाए पूरी तरह से कई बार कई चीजों की लर्निंग के लिए उनको फ्री भी छोड़ देना चाहिए है ना लेकिन हर सिचुएशन में उनको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उनको तभी एक बेहतर अधिगम हो पाएगा जब शिक्षक जो है निरंतर उनका साथ जो है वो देगा लेकिन लेजेस फेयर व्यवस्था में टीचर का रोल एक मित्र की तरह होता है एक मार्गदर्शक की तरह होता है ठीक है वो क्या करेगा अः उनको एक प्रॉब्लम देगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद से ढूंढेंगे ठीक है एक समस्या टीचर ने दे दी अब उसको पकी पकाई समस्या का समाधान करके नहीं देगा वो कहेगा कि भाई अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालोगे जब तुम्हें लग रहा है नहीं हो पा रहा ये नहीं कि पूरा सोल्यूशन टीचर निकाल के देगा जब नहीं हो पा रहा तो टीचर क्या करेगा केवल गाइड करेगा मार्गदर्शन करेगा बाकी सोल्यूशन तो तुमने खुद निकालना है टीचर यह बताएगा कि कैसे निकाल सकते हो सोल्यूशन लेकिन समाधान जो है वो शिक्षार्थी खुद निकालेगा उस समस्या का तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षक जो है वो अवांछित हस्तक्षेप नहीं कर रहा है लेकिन जहां पर बच्चे को जरूरत हो रही है वहां पर वो उसकी मदद जरूर कर रहा है तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में टीचर कुछ गैप छोड़ दे रहा है कुछ अंतराल छोड़ दे रहा है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना वो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर यहाँ पर एक टीचर कार्य कर रहा है कि बच्चों को फिल, इन दे दिया, अब वो ब्लैंक को फिल करने की ड्यूटी किसकी है स्टूडेंट की है ठीक है जो रिक्त स्थान दिया है उसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है वो शिक्षार्थी की वो अपना दिमाग लगाएगा शिक्षक ने जो रिक्त स्थान दिया है भरने को उस रिक्त स्थान को भरने का कार्य शिक्षार्थी का है तो एक तरीके की कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हायर एजुकेशन लेवल पर चले जाते हैं तो इस तरीके की व्यवस्था को अनुसरण में लाया जा सकता है उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा साथ ही साथ कमेंट देख लू साथ साथ पता चले मैं बोली जा रही हूं और कब आवाज चली जाए ये कुछ टेक्निकल एरर्स भी कई बार आ जाते हैं हाँ जी बिल्कुल सहमत हूँ सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसे व्यक्तिगत आप कंपैरिजन करते हैं तो इस सिचुएशन में जो कि गलत है ठीक है जो कि गलत है थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि भाई पेरेंट्स हमारे बारे में सोच रहे हैं ना कि किसी आपकी बुराई सोच रहे हैं ना तो जीवन में करने को बहुत कुछ है मरने के लिए तो एक छोटी सी बात भी बहुत ज्यादा हो जाती है है ना तो जी के सारे एक्सपीरियंस अचीव करो यानी कि छोटी छोटी सी बात पे खुद भी चले गए दुनिया छोड़ करके चलिए ये व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं अहस्तक्षेप व्यवस्था में शासक विषय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता जब इस प्रकार का दर्शन को विद्यालय संगठन में लागू किया जाता है तो शिक्षक कक्षा में एक मित्र और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है शिक्षक का कार्य एक प्रवाह की सीखने का माहौल का निर्माण करना है विद्यार्थी की गतिविधियों में उनके हस्तक्षेप से बचकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थी को अवसर दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा खुद करेगा इससे वहां रचनात्मक शक्ति का विकास होता है यानी बच्चों के अंदर क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप हो जाती है शिक्षक छात्रों के सामने तथ्यों और सूचनाओं को इस तरह प्रस्तुत करता है कि अंतराल रह जाता है जो मैंने कहा रिक्त स्थान रह जाता है उस रिक्त स्थान को कौन भरेगा बच्चा खुद भरेगा अपने प्रयासों से भरेगा आगे हम चलते हैं और हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य क्या रहता है यानी कि जब एक टीचर टीचिंग कर रहा है तो उस टीचिंग के माध्यम से वो क्या एम रखता है क्या क्या उद्देश्य वो रखता है जिसको जिससे कि एक बेहतर शिक्षण जो है वो हो सके ठीक है अब हम इन उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले स्कूल से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है प्री प्राइमरी लेवल से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है आजकल तो प्ले स्कूल भी आ गए हैं ठीक है जो आपकी किंडर गार्टन प्रणाली है ठीक है वहां से आपकी लर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं क्यों कोशिश की जाती है आप देख रहे हैं कि बचपन से हमारी पढ़ाई शुरू की जाती है कई बार हम सोचते हैं टेंथ क्लास तक इतने सारे विषय पढ़ाए इलेवेंथ से हमें ऑप्शन मिला सेलेक्ट करो अब वो जो मैथ्स मैंने छोड़ दी टेंथ तक वो मैथ्स मेरे क्या काम आ रही है कई बार लगता है लेकिन फिर भी हम विभिन्न विषयों को सीखते हैं कई बार साइंस के स्टूडेंट है वो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो ये सारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है क्यों पढ़ाई का कॉन्सेप्ट आया क्यों शिक्षण और अधिगम का कॉन्सेप्ट आया ताकि हम सिविलाइज हो सकें ताकि हम सभ्य नागरिक बन सकें समाज के है ना हमें सही गलत के बीच में भेद पता चले क्या नैतिक है क्या अनैतिक है इसके बीच में भेद पता चले तो सबसे पहली चीज हम शिक्षण या फिर Uh, टीचिंग का एम क्या कहेंगे एक टीचर की टीचिंग के पीछे उसका क्या उद्देश्य रहता है कि बच्चा भाई समाज का एक बेहतर नागरिक बन जाए एक सिविल सिटीजन बन जाए एक सभ्य नागरिक बन जाए है ना वो अपराधी प्रवृत्तियां उसके अंदर ना आए उसको सही गलत का भेद पता चले नैतिक अनैतिक का भेद पता चले कोई भी गैर कानूनी कार्य वो ना करे है ना तो इसलिए हम सबसे पहला उद्देश्य क्या कहेंगे कि भाई बच्चे को एक समाज का सभ्य नागरिक बनाना शिक्षण का उद्देश्य जो है वो रहता है अगली चीज टीचिंग का कॉन्सेप्ट हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या कहा था क्या किया जाता है टीचिंग में ज्ञान का अधिग्रहण किया जाता है एक्सपीरियंस गेन किया जाता है तो अगला उद्देश्य क्या है ज्ञान का अधिग्रहण करना और अनुभव प्राप्त करना है ना अनुभव को साझा करना या अनुभव को प्राप्त करना अब शिक्षण के माध्यम से आपकी फिजिकल एजुकेशन भी है आपकी वैल्यू एजुकेशन भी है आपकी अकेडमिक एजुकेशन भी है ठीक है विभिन्न पक्षों का शिक्षण जो है वो दिया जाता है आप विभिन्न एरिया में कही न कहीं ना कहीं लर्निंग करते हैं तो ये सब क्या है इसके माध्यम से केवल मेंटल डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है तो अगला हम एम क्या कहेंगे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना सर्वांगीण विकास करना बहुपक्षीय विकास करना चहुमुखी विकास करना ये एक ही चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षण के माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने की कोशिश की जाती है ये उद्देश्य जो है ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अगली चीज हम बात करेंगे कि अगला एम क्या है तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं आलोचनात्मक क्षमता विकसित करना एक क्रिटिकल एबिलिटी विकसित डेवलप करना बच्चे के अंदर ये भी टीचिंग का एम है यानी कि बच्चा अगर उसके सामने कुछ गलत है आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं मार्क्सवाद पढ़ा रहे हैं ठीक है थीके? अब मार्क्सवाद मार्क्सवादी विचारधारा से बच्चा सहमत नहीं कर रहा है ठीक है तो ऐसे में वो आपसे आर्ग्यू करेगा फिर ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा है ना तो वो सहमत नहीं कर रहा तो ऐसे में क्या है वो बच्चे के अंदर आलोचनात्मक क्षमता विकसित करना भी कहीं ना कहीं आ, हमारी टीचिंग का जो है वो एम रहता है ताकि एक बेहतर विचार को बच्चा स्वीकार सके गलत है तो उसको गलत कहने की हिम्मत और सही है तो उसका पालन करने की हिम्मत बच्चे के अंदर आ जाए अब अगली चीज हम क्या कहेंगे हमने शुरू में ही कह दिया था कि भाई एक बेहतर नागरिक बनाना है तो उसको नैतिकता का ज्ञान तो होना चाहिए तो इसलिए हम कह रहे हैं बच्चे को नैतिक आयामों का ज्ञान कराना भी शिक्षण का कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है लाइफ के एक्सपीरियंस गेन करना ये भी कहीं ना कहीं शिक्षण का उद्देश्य होता है ठीक है अधिगम लर्निंग की जो स्किल uh, है वो डेवलप करना ये भी शिक्षण का उद्देश्य होता है और हमने अपने शिक्षण के माध्यम से क्या किया हमने कहा हमने बहुत सारी विचारधारा पढ़ी हमने मार्क्सवाद पढ़ा है हमने uh, पूंजीवाद क्या है वो पढ़ा है हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा है हमने डिफरेंट व्यवस्था पढ़ी अब ऐसी स्थिति में सभी व्यवस्था का ज्ञान आपको होगा तो आप क्या करेंगे कौन सी बेटर है एक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे आपका एक बिलीव सिस्टम कायम हो पाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके माध्यम से शिक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी एक बिलीव सिस्टम हमारा एक राय जो है किसी भी विषय में कायम हो जाती है तो ये एक अगला उद्देश्य है तो यहाँ पर अः शिक्षण के उद्देश्यों में हम ये सारी ही प्रक्रियाओं को शामिल करेंगे एक बार देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या कहा गया छात्रों के बौद्धिक या अन्य कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करना इसी में आ जाता है आपका सर्वांगीण विकास करना व्यवहार में सुधार करना बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना वांछित परिवर्तन करना ये स्टेटमेंट एक ही है ठीक है व्यवहार में परिवर्तन करना कह लीजिए या व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना कह लीजिए ये एक ही चीज है आगे आलोचनात्मक रचनात्मक परिवर्तन का जवाब देने के लिए छात्रों को तैयार करना यही क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप करने की बात है क्रिएटिव चेंज लाने की बात है छात्र जो कहते हैं और करते हैं उनके नैतिक आयामों की समझ उनको करानी है और जीवन के कुछ अनुभव प्रदान करने हैं ठीक है भी ऑब्जेक्टिव है अंग्रेजी में है मैं एक बार आपको बता देती हूँ ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना आपका ठीक है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पे बताया टीचि शिक्षण की अवधारणा के उद्देश्य टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन पीपल छात्रों में वांछित परिवर्तन करना उनके व्यवहार को आकार देना ज्ञान का अधिग्रहण करना और उनके लर्निंग स्किल को यानी कि शिक्षण के कौशल को इम्प्रूव करना सुधारना विश्वास जो है एक राय जो है उनकी तैयार करना बिलीव सिस्टम तैयार करना और सोशल और इफेक्टिव मेंबर बनाना सोसाइटी का ठीक है समाज का एक प्रभावपूर्ण सदस्य जो है एक सभ्य नागरिक जो है बनाना ये कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य है अगला क्या है अब गोल्स की हम बात कर रहे हैं टीचिंग के तो टीचिंग के माध्यम से न केवल टीचिंग हो रही है बल्कि टीचिंग के साथ साथ बच्चे की कंडीशनिंग भी हो रही है बच्चे की ट्रेनिंग भी हो रही है बच्चे को इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं बच्चे को इंडोक्ट्रिनेशन भी दिए जा रहे हैं ठीक है यानी कि शिक्षण के माध्यम से जहां बच्चे के बिहेवियर में वांछित परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है वही कंडीशनिंग करने कंडीशनिंग का तात्पर्य क्या है कंडीशनिंग से तात्पर्य है कि किसी चीज को व्यवहार में ही उतार देना ठीक है किसी चीज को बच्चे के व्यवहार में ही उतार देना तो इसके माध्यम से अधिगम कौशल में सुधार किया जाता है अगली चीज ट्रेनिंग ट्रेनिंग के माध्यम से क्या किया जा रहा है बच्चे के बिहेवियर को शेप दी जा रही है व्यवहार को आकार दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में एक तरफा इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तो वहां पर ज्ञान का अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है इंडोक्ट्रिनेशन में क्या किया जाएगा बच्चे का एक बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा बच्चे का विश्वास मत जो है वो तैयार किया जाएगा तो इसलिए टीचिंग का एम न केवल बच्चे की टीचिंग करना बल्कि बच्चे की कंडीशनिंग करना ट्रेनिंग करना इंस्ट्रक्शन देना इंडोक्ट्रिनेशन करना ये सभी है यहां पर यही चीज बताई गई है टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना कंडीशनिंग के माध्यम से लर्निंग स्किल जो है उनकी बेहतर बनाना ट्रेनिंग के माध्यम से उनके व्यवहार को आकार देना और ज्ञान का अधिग्रहण करना इंस्ट्रक्शन के माध्यम से इंडोक्ट्रिनेशन के माध्यम से विश्वास मत तैयार करना अब कंडीशनिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन इंडोक्ट्रिनेशन ये जो टर्म्स हैं इनको हम अलग से पढ़ेंगे कल के सेशन में क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या अंतर है टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है और टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या अंतर है संक्षिप्त में हमने यहां पर जान लिया लेकिन आपको इनके बीच में जो भेद है उनके एक एक पहलू का ज्ञान जो है वो होना चाहिए ठीक है टीचिंग के अंदर ये सारी चीजें ही शामिल हो जाती हैं जबकि ये अन्य अवधारणा केवल एक एक पहलू पर फोकस कर रही हैं। इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं शिक्षण के माध्यम से न केवल टीचिंग हो रही है बल्कि ये सारी चीजें संपन्न हो रही है ठीक है चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे शिक्षण की प्रकृति और शिक्षण की विशेषताओं की ठीक है आगे चलें बिल्कुल जी मैं पूरा कोर्स करवाऊंगी निश्चिंत रहिए ठीक है ठीके? एक वाटर ब्रेक हो जाए समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है पहले तो ये मुझे बताइए समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है सब चीज क्लियर आ समझ आ रही है मैं ठीक हूँ जी एकदम ठीक हूँ फिलहाल तो ठीक हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पी का अभी हम देखते हैं अभी तो कल ही तो मेरी पहली क्लास शुरू हुई है है ना तो अभी आगे टीम की तरफ से क्या आता है पी के रिगार्डिंग वो एक बार पूछ लेंगे और फिर आपके साथ पी जो है वो आगे देखते हैं क्या करते हैं ठीक है चलिए पी के पीछे ना भागें अक्सर मैं यही कहती हूँ रजिस्टर लीजिए की पॉइंट्स बनाइए ताकि वो की पॉइंट्स एग्जाम से पहले आप एक बार दोहरा सकें ठीक है अब हम यहां पर बात कर रहे हैं शिक्षण की विशेषताओं की और शिक्षण की जो अवधारणा है उसके पीछे पीछे कौन से कॉन्सेप्ट जो है शामिल किए जाते हैं उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ठीक है अब जब हम बात कर रहे हैं शिक्षण की विशेषता शिक्षण की अवधारणा हमने जानी उद्देश्य हमने जाने उन्हीं में से काफी हमारे विशेषताओं में भी शामिल हो जाते हैं लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और सबसे पहली चीज हम यहां पर करें कि टीचिंग एक इंट्रेक्टिव प्रोसेस है अंत क्रियात्मक प्रक्रिया है एक तरफा नहीं होता कभी भी ठीक है शिक्षण तभी प्रभावी होगा जब उससे अधिगम होता है कल भी इस चीज पर हमने बात करी थी शिक्षण तभी प्रभावी होगा जब उससे अधिगम होगा केवल टीचिंग से ही अधिगम सुनिश्चित नहीं होता लर्निंग आपकी कहीं भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो सकती है इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे टीचिंग जो है वो एक इंट्रैक्टिव प्रोसेस है टीचिंग करते हुए अब यहाँ पर तो थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि टीचिंग अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया तो है ही स्टूडेंट और टीचर में इंटरेक्शन हो रहा है मैं कुछ बोल रही हूँ मैं कुछ पढ़ा रही हूँ बच्चे को नहीं समझ आ रहा वो अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रख रहा है तो इंटरेक्टिव प्रोसेस तो है ही साथ ही हम क्या कहेंगे एक शिक्षक शिक्षण करते हुए ना केवल पढ़ा रहा है बल्कि वो सीख भी रहा है खुद भी उसकी लर्निंग हो रही है है ना हमारी अगर मैं कहूं मैं तो टीचर हूं मुझे सब कुछ आता है ऐसा कभी संभव नहीं होता कितने ही बड़े से बड़े ज्ञाता हो कितने ही बड़े से बड़े विद्वान हो अपने विषय के कक्षा में जाने से पूर्व उस विषय के शिक्षक को उसका गहन ज्ञान प्राप्त करना होता है यानी कि उसको देखना पड़ता है उसको पढ़ना पड़ता है कोई भी कभी भी किसी भी स्तर पर प्रवीण नहीं हो जाता आपको लगता है टीवी में आ, डिबेट्स हो रही है किसी विषय पर डिबेट हो रही है और वो देखो एक से एक तर्क सामने रख रहे हैं वो तर्क कैसे सामने रखते हैं उनको एक विषय दे दिया जाता है कि हाँ भाई आप निमंत्रित हैं आमंत्रित हैं इस विषय पर चर्चा होगी और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है उस विषय पर चर्चा के लिए अनेकों को आमंत्रित किया जाएगा तो वो विषय तैयार करके आए हुए रहते हैं उसके संबंध में जानकारी ग्रहण करके आए होते हैं वो एक अपनी एक टीम रखते हैं जो कि उनको ये इंफॉर्मेशन देती है इस, उस विषय के संदर्भ में तब जाकर के वो किसी डिबेट में जाकर के बोल पाते हैं वो फैक्ट ला करके देती है तब जाकर के वो उस डिबेट में बोल करके आते हैं तो वहां पर तो एक लंबी टीम होती है आपको लगता है अरे भाई बड़े नॉलेजेबल पर्सन है है ना तो हर किसी को कोई कितना भी ज्ञाता हो कोई कितना भी प्रवीण हो उनको पहले उस विषय के संबंध में जानकारी ग्रहण करनी होती है तब जाके वो डिलीवर कर पाएंगे तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शिक्षक केवल उस विषय का एक शिक्षक ही नहीं बल्कि वो अधिगम करता भी है वो स्वयं लर्नर है और बच्चे को पढ़ाते हुए वो बच्चों से ही कई चीजें सीख भी लेता है, है ना तो हम कहेंगे हम टीचर सिर्फ टीचिंग ही कर रहे हैं तो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो हमने यहाँ पर क्या कहा एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है अंत क्रियात्मक प्रक्रिया है और साथ ही हमने कहा शिक्षण करते हुए ना केवल हम शिक्षण कर रहे हैं बल्कि हम सीख भी रहे हैं हमारी लर्निंग भी हो रही है हम हर बार उस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं और हर बार हम उस टॉपिक को प्रेजेंट करते हुए जब हम इधर उधर से मटेरियल ढूंढ रहे होते हैं तो हमें हर, हर बार तैयार करने में कुछ नए पॉइंट मिल जाते हैं अरे ये पॉइंट तो आज तक मैंने शामिल किया ही नहीं था अरे ये पॉइंट तो मिस हो गया था आज तक मैंने शामिल किया ही नहीं था तो हम जितनी बार भी कंटेंट तैयार करें उतनी बार कुछ चीजें छूट जाती हैं है ना और उतनी बार वो चीजें सामने आपके आती हैं तो इसलिए यहां पर हम क्या कहेंगे टीचिंग एक इंट्रेक्टिव प्रोसेस है और शिक्षण हम केवल शिक्षण नहीं कर रहे बल्कि हम अधिगम भी कर रहे हैं अगली चीज हम कह रहे हैं टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है पीछे भी हमने बात करी थी कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है एक सोशल प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहा है शिक्षक शिक्षक भी समाज का हिस्सा है छात्र भी समाज का हिस्सा है और टीचिंग स्किल्स को यूज कर रहा है बच्चों को कुछ चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है है ना अपने शिक्षण कौशल के माध्यम से बच्चों का अधिगम करने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही समाज का हिस्सा है और शिक्षण कौशल को अपने छात्र जो कि स्वयं एक समाज का हिस्सा है उसको कुछ लर्निंग कराने की कोशिश कर रहा है इसलिए हम कहेंगे टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है अगली मैंने आपसे डिस्कस कर और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है दो ध्रुवी कौन 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 से हैं टीचर और स्टूडेंट त्रिध्रुव कौन कौन से हैं तीन ध्रुव यानी बाइपोलर दो ध्रुव और ट्राइपोलर ये तीन ध्रुव तीन ध्रुव कैसे हैं शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षक एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षार्थी को पढ़ाने की कोशिश करता है दूसरा कॉन्सेप्ट शैक्षिक उद्देश्य सीखने के अनुभव और व्यवहार में वांछित परिवर्तन ये क्या है ये कॉन्सेप्ट भी टीचर को एक ट्राइपोलर प्रोसेस बनाता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बनाता है अगली चीज हम क्या कहेंगे शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है एक पर्पजफुल एक्टिविटी है पर्पजफुल एक्टिविटी कैसे आप ना आप जब स्टेजेस पढ़ेंगे आगे की क्लास में तो वहां पर सबसे पहला अवस्था शिक्षण की वो होती है नियोजन की अवस्था जिसमें शिक्षक क्या कर रहा है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर रहा है यानी कि ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है बच्चे को भी ये पता होना चाहिए विषय में पढ़ने जा रहा हूं ये टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूं इसको पढ़ने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है और केवल उद्देश्यों के निर्धारण में उद्देश्यों का ही निर्धारण नहीं शामिल होता बल्कि वो सारी चीजें पहले से ही निर्धारित करके रखता है इसलिए सबसे पहले चीज हम कहेंगे कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है ठीक है उद्देश्य क्या रहता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उद्देश्य हमने पीछे भी पढ़ लिया ले, लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि टीचिंग के माध्यम से बच्चे के बिहेवियर में वांछित परिवर्तन लाना ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्यवहार में परिवर्तन करना व्यवहार में संशोधन करना ठीक है ये स्टेटमेंट जहां भी आती है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है शिक्षण का उद्देश्य है बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना यानी कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना वांछित परिवर्तन लाना या फिर संशोधन करना कुछ भी आप इसको करेक्ट कह सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अगली चीज हम कहेंगे शिक्षण कला भी है विज्ञान भी है ना क्योंकि कला के रूप में टीचिंग में क्रिएटिविटी शामिल होती है हम डिफरेंट टीचिंग स्किल विभिन्न शिक्षण कौशलों का इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग को प्रभावपूर्ण बनाते हैं हम विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग को प्रभावपूर्ण बनाते हैं हम ये दिमाग लगाते हैं कब कहाँ कैसे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए टीचिंग में क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं शामिल है हम कह रहे हैं शिक्षण एक विज्ञान है विज्ञान में तकनीक रहती है है ना विज्ञान में टेक्नोलॉजी टेक्निक रहती है विज्ञान में स्किल्स रहती हैं तो इसीलिए टीचिंग में भी हम टेक्निक और टीचिंग में भी हम स्किल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि टीचिंग में क्रिएटिविटी क्योंकि टीचिंग में स्किल्स और स्किल्स के साथ साथ हमारे टेक्निक इस्तेमाल होती हैं इसलिए टीचिंग क्या है साइंस भी है और आर्ट्स भी है आर्ट्स भी है और साइंस भी है ठीक है चलिए तो ये तो थी अन्य विशेषता अब हम अगली चीज कहेंगे कि हम टीचिंग को मेजर भी कर सकते हैं टीचिंग का हम माप भी कर सकते हैं इवेलुएट भी की जा सकती है शिक्षण की प्रक्रिया को जब आप आ, टीचिंग आ, टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस दौरान भी अक्सर टीचर ट्रेनिंग के दौरान भी आपके टीचिंग की टीचिंग स्किल की मेजरमेंट होती है न केवल शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान बल्कि शिक्षण प्रशिक्षण के बाद जब आप एक रेगुलर टीचर एक सक्रिय शिक्षक के तौर पर किसी संस्थान से जुड़ जाते हैं तो वहां पर भी बीच बीच में आपकी टीचिंग टीचिंग को जो है वो मेजर किया जाता है कि आपके शिक्षण में गुणवत्ता है या नहीं या कोई कमी है तो आपको वो बताएं ताकि आप उसमें सुधार कर सकें है ना एक पैरामीटर के आधार पर अः आपको आका जाता है कहीं ना कहीं कौन सी स्किल का इस्तेमाल किया है कौन कौन सी रह गई हैं इस तरीके से आपकी कही कहीं ना कहीं कमियों को भी ध्यान में रखा जाता है अगली चीज हम कहेंगे कि शिक्षण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है औपचारिक अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल टीच, टीचिंग जो है वो दोनों ही होती है ठीक है एक फॉर्मल हाँ। और इनफॉर्मल टीचिंग से क्या तात्पर्य है जब आप जाते हैं किसी शिक्षण संस्थान में आ, किसी स्कूल में कॉलेज में तो वो एक औपचारिक शिक्षण है तो शिक्षण औपचारिक भी हो गया क्योंकि आप स्कूल कॉलेज में जाकर के अधिगम करते हैं ठीक है अनौपचारिक भी हो गया क्योंकि न केवल स्कूल कॉलेज में जाकर के ही लर्निंग नहीं हो रही बल्कि लर्निंग कहीं भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में जाकर के हो रही है तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि टीचिंग जो है वो औपचारिक भी है और टीचिंग जो है वो अनौपचारिक भी है फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है ठीक है आगे हम बात कर रहे हैं टीचर टीचिंग के फीचर की तो हम यहां पर क्या कहेंगे टीचिंग कि जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नैदानिक भी है और औपचारिक भी है यानी कि उसमें डायग्नोस भी की जाती है और उसमें भी आपको दी जाती है कैसे इसको हम यहां पे बात करते हैं हम कह रहे हैं यहां पर नैदानिक है नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं ठीक है आपको कोई समस्या है डॉक्टर के पास आप जाते हैं डॉक्टर क्या कहता है भाई ये, ये टेस्ट करवा लेना ठीक है टीचर क्या करेगा टीचर अपने बच्चों की प्रॉब्लम जानना चाह रहा है तो टीचर क्या करेगा वो भी एक टेस्ट कर देगा ठीक है उस टेस्ट के माध्यम से क्या होगा बच्चे की प्रॉब्लम पता चल जाएगी ऐसे ही डॉक्टर ने जो टेस्ट किया रिपोर्ट आई उस टेस्ट की तो उससे इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो पता चल गई ठीक है अब प्रॉब्लम पता चल गई डॉक्टर क्या करेगा दवाई देगा इलाज करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको अब समस्या का पता चल चुका है तो उस समस्या की ही दवाई देगा है ना ऐसे ही टीचर भी क्या करेगा परीक्षण के माध्यम से इवेलुएशन के माध्यम से बच्चे की प्रॉब्लम ढूंढेगा और प्रॉब्लम ढूंढ करके छोड़ नहीं देगा बल्कि उसका समाधान भी बच्चे को देगा कि कैसे क्या समस्या है और उस समस्या में क्या कॉन्सेप्ट सामने सही कॉन्सेप्ट है जो कि उसको अपने स्टूडेंट को बताना है इसलिए हम कह रहे हैं नैदानिक भी है और औपचारिक भी है डायग्नोस्टिक भी है और रिमीडियल भी है ठीक है अगला हम कह रहे हैं कि टीचिंग के माध्यम से टीचिंग की विशेषता की हम बात कर रहे हैं टीचिंग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं अपने पर्यावरण के साथ अपने एनवायरमेंट के साथ एनवायरमेंट बदलता रहता है पर्यावरण और परिस्थिति ठीक है एनवायरमेंट और सिचुएशन बदलती रहती है तो हम क्या कर रहे हैं हम बचपन से आपने देखा होगा हम बचपन से अपने आप को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढाल ही लेते हैं है ना एक इंसान में ये खासियत है वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ही लेता है तो हम क्या कर रहे हैं शिक्षण के माध्यम से ये गुण बच्चे के अंदर विकसित कर रहे हैं कि बच्चा बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को आसानी से ढाल ले ठीक है तो ये एक अन्य विशेषता हो गई अगला हम कह रहे हैं कि टीचिंग हमेशा प्रोग्रेसिव रहती है ठीक है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास इन सब का पाठ्यक्रम देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं फर्स्ट क्लास से आगे का सिलेबस क्रमानुसार आगे आप बढ़ते जाएंगे सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से एक पाठ्यक्रम व पहली क्लास का वो दूसरी क्लास जो है वो पहली क्लास के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने वाली होगी ऐसे ही तीसरी क्लास और आगे बढ़ाएगी चौथी क्लास और आगे बढ़ाएगी इसलिए हम कह रहे हैं कि टीचिंग जो है वो प्रोग्रेसिव है प्रगतिशील है ठीक है तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम टीचिंग के अंदर पढ़ेंगे एक एक करके इस पर एक बार और नजर हम डाल लेते हैं ठीक है चलिए सबसे पहली चीज क्या कही शिक्षण एक अंत क्रियात्मक प्रक्रिया है इंटरेक्टिव प्रोसेस है इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ठीक है कुछ लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इंटरेक्शन जो है वो किया जाता है आगे कह रहे हैं एक सोशल प्रोसेस है सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया कैसे है क्योंकि इसमें शिक्षक अपने पेशे के कौशल को छात्र जो कि स्वयं एक समाज का हिस्सा है उस पर लागू करता है ठीक है आगे चलते हैं अध्यापन द्विध्रुवीय प्रक्रिया है कहा गया बाइपोलर प्रोसेस है ठीक है बाइपोलर प्रोसेस कैसे है क्योंकि इसके दो प्रोसेस है यहां पर प्रख्यात शिक्षा शास्त्री एडम्स के अनुसार अध्यापन एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका एक ध्रुव तो शिक्षक है और दूसरा ध्रुव जो है वो विद्यार्थी है ठीक है शिक्षक अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से विद्यार्थी के व्यवहार पर वांछित परिवर्तन लाता है और उसका अनुकरण करने के लिए शिष्य प्रभावित होता है इस तरह शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से लगे रहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर दो ध्रुवीय प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया इसको एक इंट्रैक्टिव प्रक्रिया भी बनाती है तीसरा हम कह रहे हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ट्राइपोलर प्रोसेस है ट्राइपोलर पोलर प्रोसेस कौन से हैं तीन घटक हैं इसके तीन घटक के साथ साथ अंग्रेजी में कहें तो इसके वेरिएबल्स भी हम इसको कह देंगे इसके चर भी हम इसे कह सकते हैं वो चर कौन कौन से हैं शिक्षक शिक्षार्थी और पर्यावरण या फिर हम कहें विषय वस्तु ठीक है विषय वस्तु तो पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब कोई भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो पर्यावरण से रहित होती है अच्छा शिक्षण नहीं कहा जाता ठीक है एनवायरमेंट के बीच में नेचुरल एनवायरमेंट के बीच में अधिगम किया जाता है अब यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में वास्तविक जीवन का अनुभव प्राप्त करके जो अधिगम होता है वो एक बेहतर अधिगम होता है इस स्टेटमेंट को आपने ध्यान में रखना है जिससे बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन में सीखने का मौका मिले ये लर्निंग एक बेहतर लर्निंग होती है क्योंकि ये लंबे समय तक आपके दिमाग में कायम रहती है ठीक है इस स्टेटमेंट को आपने ध्यान में रखते हुए चलना है जहां पर हम वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखते हैं यह अधिगम एक बेहतर अधिगम कहलाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला क्या कह रहा है एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के रूप में शिक्षण हम कह रहे हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है पर्पजफुल एक्टिविटी है कैसे पर्पजफुल एक्टिविटी है क्योंकि लक्ष्य उद्देश्य क्या रहता है शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना ठीक है जब इच्छाएं और लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो शिक्षण प्रभावी होता है आगे हम कह रहे हैं शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है कला कैसे है क्योंकि इसमें प्रतिभा और रचनात्मकता के अभ्यास के आवाहन करती है लेकिन जब यह विज्ञान होता है तो इसमें तकनीक प्रक्रिया कौशल का एक भंडार शामिल होता है और व्यवस्थित रूप से अध्यापन और बेहतर बनाया जा सकता है एक अच्छा शिक्षक शिक्षक एक उद्देश्य के साथ अपने शिक्षण में आगे बढ़ता है और उसके आधार पर ही अपने प्रभार के तहत बच्चों को संशोधित करता है उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करता है अगला स्टेटमेंट कह रहा है मापन संभव है टीचिंग का मेजरमेंट हो सकता है टीचिंग का तो शिक्षकों के व्यवहार को देखा जा सकता है कि मात्रात्मक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है शिक्षण की प्रक्रिया वांछनीय सुधार लाने के लिए विश्लेषण किया जाता है उसका मूल्यांकन किया जाता है तो ये एक आवश्यक प्रक्रिया है टीचिंग को प्रभावपूर्ण बनाने की आगे कह रहे हैं कि टीचिंग औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है ठीक है तो शिक्षण औपचारिक कब होता है औपचारिक नियमित कक्षा के रूप में होने पर शिक्षण औपचारिक हो जाता है जब स्कूल प्रणाली के बाहर से शिक्षण अनौपचारिक है यानी स्कूल से बाहर लर्निंग हो रही है तो वो ज्यादातर अनौपचारिक है ज्यादातर निर्देश पर यह हावी रहती है और वांछित लक्ष्यों तक पहुंचने में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को मदद करती है आगे कहा गया नैदानिक भी है और उपचारात्मक भी है समस्या का खोज करना नैदानिक समस्या का समाधान करना उपचारात्मक ठीक है ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं समस्या की खोज करना डायग्नोस्टिक एक डायग्नोस्टिकुएशन का टाइप भी है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और उसके बाद डायग्नोस्टिक इवेलुएशन के बाद आपकी रिमीडियल टीचिंग होती है यानी कि समस्या का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक इवेलुएशन हुआ समस्या का समाधान करने के लिए रिमीडियल टीचिंग हुई ठीक है तो यहाँ पर समस्या का पता लगाया और समस्या का पता लगाने के बाद उसका उपचार भी किया उस समस्या का समाधान भी किया तो शिक्षक सबसे पहले छात्र के कमजोरियों का पता लगाता है फिर उपचारात्मक उपयोगों का सुझाव देता है आज हम इस स्थिति में मनोवैज्ञानिक शोधों के आधार पर शिष्य की बुद्धि उसकी प्रवृत्ति उसकी दुर्बलता के बारे में आसानी से जान सकते हैं हम वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा विद्यार्थियों की दक्षता क्षमताओं और भावनाओं लक्षणों की पहचान भी बहुत आसानी से कर सकते हैं इन माध्यमों से हम शिक्षण को नैदानिक बना सकते हैं निदान के बाद शिक्षक उपचारात्मक उपाय सुझा सकता है ठीक है शिक्षण विद्यार्थियों को अपने पर्यावरण के साथ खुद को समायोजित करने में मदद करता है बदलते परिवेश के अनुसार अपने आप को ढालने में कहीं ना कहीं मदद करता है तो यहां पे कहा गया एक व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क करता है अपने जन्म से ही व्यक्ति को अपने भौतिक सामाजिक वातावरण में समायोजन और अनुकूलन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अच्छा शिक्षण विद्यार्थी को नई परिस्थिति में पर्याप्त रूप से स्वयं को समायोजित करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है ठीक है चलिए प्रोग्रेसिव कहा गया है टीचिंग को प्रोग्रेसिव कैसे है शिक्षण प्रगतिशील कैसे है क्योंकि वास्तविक शिक्षा व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है शिक्षण छात्र के पिछले अनुभवों के ध्यान में रखते हुए नया ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान देना शिक्षण के माध्यम से क्या किया जाता है पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए न्यू नॉलेज बच्चे को दी जाती है पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा कैसे जाए क्योंकि कक्षा जब टीचर जो है वो क्लासरूम में जाता है अपना विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जो भी उसको पढ़ाना है तो उस विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले वो क्या करेगा बच्चे का प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा वो प्रीवियस नॉलेज कैसे कर टेस्ट करेगा जो भी पीछे पढ़ा हुआ है उन्होंने उससे संबंधित कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के प्रश्न करेगा अब उस प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के आधार पर उस, उसने बच्चे का मानसिक धरातल जान लिया कि इस विषय के संदर्भ में बच्चे को कितनी नॉलेज है ठीक है वो नॉलेज जा, जान ली अब उस नॉलेज के बेस पर वो बच्चे को नया ज्ञान कैसे दिया जाए जो मानसिक धरातल है पूर्व ज्ञान जो है बच्चे को उस आधार पर नवीन ज्ञान कैसे दिया जाए वो चीज शिक्षक ने निर्धारित करनी है इसलिए हम कह रहे हैं पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे को नवीन ज्ञान देने का कार्य एक शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप जब पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक स्टेटमेंट आपसे बार बार पूछी जाएगी ठीक है बार बार ये स्टेटमेंट आपकी आएगी बच्चे के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे को नवीन ज्ञान दिया जाता है ठीक है उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा चलिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है सभी ने ठीक है सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं चले आगे चलते हैं हाँ तो यहाँ पे कहा गया है शिक्षण अधिगम का संगठन भी है शिक्षण अधिगम का संगठन कैसे है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं टीचिंग के दौरान हम क्या करते हैं जब टीचिंग ट्रेनिंग होती है बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं अभी आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर थ्योरी क्लास के माध्यम से टीचिंग के स्किल सीख रहे हैं क्योंकि एन टी यूजीसी नेट में आपकी शिक्षण अभिषमता का परीक्षण किया जाना है अब ये स्किल्स जो आप सीख रहे हैं या फिर कई लोगों ने टीचिंग से रिलेटेड कई कोर्स किए होंगे हमारे बीच में जितने भी बच्चे हैं उनमें से भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बी वगैरह की होगी तो वहां पर आपको अः uh, काफी सारे uh, स्किल्स सिखाए जाते हैं शिक्षण के काफी सारे सिद्धांत सिखाए जाते हैं कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कई लर्निंग थ्योरी सिखाई जाती हैं मोटिवेशनल थ्योरी सिखाई जाती है तो ये सारी चीजें जब स्किल्स वगैरह आप सीखते हैं तो आप क्या करते हैं आप जो भी टीचिंग को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जितनी भी स्किल्स आपने सीखी है आप उन सभी को इस्तेमाल करने विषय वस्तु के अनुसार जहां पर जो सटीक बैठेगी उस आधार पर आप उस कौशल का चयन करेंगे उस शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करेंगे और अपनी टीचिंग को प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम का संगठन है ठीक है तो यहां पर मार्शल ने अपनी पुस्तक सक्सेसफुल uh, टीचिंग में लिखा है कि अधिगम के संगठन का अर्थ है शिक्षण के सभी घटकों का एकीकरण करना घटक क्या है शिक्षण कौशल शिक्षण के सूत्र शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कहां कैसे करना है ये सारी चीजें इसलिए शिक्षक और शिष्य गतिविधियों को एकीकृत एक किया जाना चाहिए इन गतिविधियों से सभी कार्य शिक्षण की विधियां या अन्य घटक इसमें शामिल हो जाते हैं चलिए तो यहां पर आपने विशेषताओं को समाप्त कर लिया है ठीक है तो आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट अभी किए अगला कॉन्सेप्ट पर हम जाएंगे आज की ही क्लास में थक तो नहीं गए थक गए क्या थक गए हैं नहीं थके हैं शायद अभी हमने क्या किया जल्दी चलेंगे तभी हमारा जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो पाएगा ठीक है मैं कोशिश तो ये करूंगी रेगुलर डेढ़ घंटे की हमारी क्लास चले ठीक है हाँ अभी हमने क्या किया शिक्षण की अवधारणा कर ली शिक्षण के उद्देश्य हमने कर लिए और साथ ही शिक्षण की विशेषताएं कर ली अब हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत सामान्य सिद्धांतों की ये सिद्धांत क्या है सामान्य सिद्धांत है जर्नल से अभी पीछे ही आपने पढ़े हैं ठीक है जो चीजें पढ़े हैं उनको हम सिद्धांत रूप में पढ़ेंगे लेकिन उससे कुछ अलग है ठीक है अब क्या क्या चीजें क्या कैसे कैसे अलग हैं उन पर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं तो उसको एक बार हम संक्षेप में देख लेंगे थक गए क्या काफी सारे बच्चे कह रहे नहीं थके चलो अच्छा है <laughs> अच्छा ये नाम बड़ा अच्छा है मिस पत्ता गोभी मिस पत्ता गोभी जी अपना असली नाम यहां पर रखिए ठीक है थीके? अच्छा लगेगा हमें जानने में लेकिन नाम आपने बड़ा अच्छा सटीक चुना है यहाँ पे मिस पत्ता गोभी ठीक है चलिए और साथ में किसी को बर्तन धोने जाना है साथ में चलेंगे अभी आधा घंटा और क्लास खत्म कर लेते हैं है ना मुझे भी खाना भी बनाना है फिर बर्तन भी धोने हैं तब मैंने ही करना है तो आधा घंटा और चल लेते हैं और आधा घंटा और के बाद फिर हम बर्तन धोएंगे साथ में ठीक है अच्छे से वेम बार लगाएंगे ठीक है उसके बाद अच्छे से रगड़ रगड़ जूने से रगड़ रगड़ धोएंगे है ना चलिए <laughs> चलिए आगे चलते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत पे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वही चीजें हैं जो आपने पीछे पढ़ी हुई है लेकिन उस पर हम एक बार नजर यहाँ पर डाल लेते हैं ठीक है चलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा लक्ष्यों और उद्देश्यों की निश्चितता का सिद्धांत यानी कि यहाँ पर हमने क्या करना है शिक्षण अधिगम के लक्ष्य आपके सबसे पहले स्पष्ट होने चाहिए क्या उद्देश्य है जिसको ध्यान में रखते हुए हम इस विषय के संदर्भ में शिक्षण कर रहे हैं बच्चों को भी ये एम क्लियर होना चाहिए उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि किस उद्देश्य से हम ये टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं इसलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आपका लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए ठीक है तो यहां पर लाइक शेयर करते रहिए आप सभी लोग लक्ष्यों और उद्देश्यों की निश्चितता के सिद्धांत पर हम जान रहे हैं शिक्षण लक्ष्य और उद्देश्यों को परिभाषित करने के साथ शुरू होता है शिक्षण व छात्रों को शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए ठीक है आपके एम स्पष्ट होने चाहिए क्लियर होना चाहिए किस एम से आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं या किस एम से वो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं ठीक है एज अ टीचर यह उन्हें ट्रैक पर रखने में मदद करता है जब पाठ के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ठीक से निर्धारित किया जाता है तो यह शिक्षक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के चरण की योजना बनाने और निष्पादित करने में मूल्यांकन करने में मदद करेगा शिक्षक को कुछ उद्देश्यों को निश्चित करना चाहिए फिर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसके अनुसार ही सामग्री का चयन करना चाहिए ठीक है कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री मुझे इस विषय को पढ़ाने के लिए जरूरत होगी यह उसको निर्धारित करना है जैसे अगर अः वो इतिहास पढ़ा रहा है या भूगोल पढ़ा रहा है तो ऐसे में नक्शे का कहां पर इस्तेमाल होगा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये सारी चीजों को वो ध्यान में रखेगा ठीक है अगली चीज हम कहेंगे नियोजन का सिद्धांत मैंने आपसे पहले भी बात की शिक्षण के चरण की शिक्षण के चरण में पहला चरण क्या है नियोजन का चरण प्लानिंग की स्टेज जिसे हम योजना का चरण भी कह रहे हैं यानी कि ये नियोजन का चरण कौन सा चरण होता है कक्षा में प्रवेश से पहले टीचर का जो भी प्लानिंग का प्रोसेस होता है मुझे क्या पढ़ाना है मुझे कैसे पढ़ाना है कितने समय में पढ़ाना है कौन कौन से प्रश्नों से मैं इस विषय के संदर्भ में बच्चों का मूल्यांकन कर सकती हूं कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करूंगी तो ये सारी चीजें नियोजन के सिद्धांत में आ जाती है कि कक्षा में प्रवेश से पहले टीचर को प्लान करके जाना है ठीक है नियोजन का सिद्धांत कहलाता है ये तो शिक्षण में योजना बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है शिक्षकों को वास्तविक कक्षा शिक्षण में आने से पहले ठीक से योजना बनानी चाहिए सफल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कक्षा में शिक्षकों की योजना और निष्पादन पर अत्यधिक निर्भर करती है योजना में एक पाठ योजना शिक्षण सहायक सामग्री रणनीति और शिक्षण के तरीके जो है शामिल होते हैं तो ये सारी चीजें आपको प्लान करनी है लेसन प्लान बनाना है कौन से तरीके से पढ़ाऊंगी किस मटेरियल से पढ़ाऊंगी ये सारी चीजें निर्धारित करनी है शिक्षक को सफल बनाने के लिए नियोजन का सिद्धांत आवश्यक है कक्षा में प्रवेश करने से पहले तैयार करने में मदद करता है उसको और उसके शिक्षण से संबंधित हर समस्या को बहुत आसानी से हल करने में सक्षम बनाता है एक अच्छा शिक्षक अपनी योजना में हमेशा लचीला रहता है फ्लेक्सिबल रहता है है ना ये होना भी चाहिए फ्लेक्सीबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्लान करके कुछ गए और क्लास में जाकर के आप बच्चों के बच्चों का माहौल कुछ और ही देख रहे हैं ठीक है कई बार होता है कुछ प्लान करके गए होते हैं और बच्चों का माहौल बच्चों का उस समय आ, कुछ और ही रवैया रहता है और आपको उसके अनुसार व्यवहार करना भी चाहिए उदाहरण देती हूं। आपने बच्चों को दो दिन पहले एक टेस्ट बताया था हम भी ऐसा ऐसा व्यवहार हमने भी किया है आप लोगों ने भी किया क्योंकि हम सभी स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं है ना तो टीचर ने टेस्ट बताया अब टेस्ट तैयार नहीं है ज्यादातर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि जो इंटेलिजेंट भी होता है ना उसको भी ये लगता है कि मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है और जिस दिन टेस्ट है उस दिन सारे बच्चे एक साथ आपको आपको बोलते हैं मैम प्लीज प्लीज या सर आज टेस्ट मत लीजिए फिर वो मासूम चेहरे देख करके कहीं ना कहीं उन पर तरस आ जाता है और आप ये सोच के गए हैं आपने लेसन प्लान तैयार नहीं किया या फिर कुछ भी चीज आप सोच के गए हैं कि हाँ आज बच्चों का तो टेस्ट था तो मुझे और चीज जो है वो नहीं पढ़ानी है तो आज टेस्ट ही होगा तो ऐसी स्थिति में आपको क्या रहना है कई बार जब बिल्कुल ही तैयार नहीं है अब हर बार बच्चों का तो यही रहता है हर बार टेस्ट में वो इसी तरीके का रवैया करेंगे प्लीज मैम आज मत लो है ना तो ये बदमाशी कहलाती है लेकिन कई बार बिल्कुल ही नहीं तैयार है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है चलो आज टेस्ट नहीं लेते फिर हम आज इस टॉपिक पर आ जाते हैं कल हम इसका टेस्ट ले लेंगे है ना तो इस तरीके का थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लचीलापन होना चाहिए कितनों ने इस तरीके का काम किया है बचपन में स्कूल में पढ़ते टेस्ट है आपका और टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं मैम आज टेस्ट मत लो या हम हमारे पेपर हम लोग उनमें से थे अच्छा पेपर नहीं किया तो हम लोग सोचते थे यार पेपर आंसर शीट पानी में डूब जाए ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आते थे पानी में डूब जाए या बारिश में भीग जाए या कुछ कुछ भी अजीबोगरीब थॉट आते थे जिससे कि हमारी आंसर शीट चेक ही ना हो जब गंदा गंदा एग्जाम या गंदा पेपर जाता था है ना स्कूल लेवल पर अक्सर इस तरीके की विचारधारा हमारे मन में आ जाती थी और आप लोगों के मन में आना भी स्वाभाविक ही है और ऐसा हुआ भी हम अक्सर कई सालों से ऐसा सोचते थे कि का ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे ना पेपर जो है वो चेक ना हो और टेंथ का बोर्ड था और टेंथ के बोर्ड में ऐसा कुछ हुआ कि अभी तक टेंथ तक हम यही सोच रहे थे कि कभी ऐसा हो जाए और टेंथ के बोर्ड के पेपर या ट्वेल्थ के बोर्ड के पेपर मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट सीबीएसई बोर्ड मेरा था और डेली में मैं पढ़ रही थी उस समय उत्तर पुस्तिकाओं में आग लग गई तो न्यूज़पेपर में हर तरफ ये खबर आ गई उत्तर पुस्तिकाओं में आग लगी लेकिन उस दौरान क्या हुआ था उस दौरान मेरा पेपर थोड़ा अच्छा गया था तो जब गंदा जाता था जब तक गंदा जाता था तो तब तक यह सारी कामनाएं होती थी और उस दौरान जब अच्छा गया था तो ये आ गया खबर कि भाई दोबारा से पेपर हो सकता है कुछ बच्चों का उत्तर पुस्तिकाओं में आग लग गई है तो भगवान बड़ी उस समय भगवान की बड़ी याद आती है तो बड़ी प्रार्थना करी भगवान दोबारा से ना हो पेपर बड़ा मुश्किल से तो अच्छा गया है फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर वो उस तरीके के, के क्वेश्चन नहीं आए तो कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी तो हालांकि मैं बच गई लेकिन कुछ बच्चों का पेपर वो दोबारा से हुआ था ठीक है तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हुई होगी जब प्रार्थना करो ऐसा हो जाए तब नहीं होता है लेकिन जब चाहो कि ऐसा हो जाए तो उस समय वो चीज नहीं होती है है ना चलिए आगे चलते हैं हां जी लचीलापन और लोच का सिद्धांत ये वही है फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए शिक्षण रणनीति लचीली होनी चाहिए इससे कक्षा की स्थिति और छात्रों की जरूरतों के अनुसार बदलने की जरूरत है शिक्षकों और कल्पनाशील और साधन संपन्न व्यक्ति होना चाहिए ताकि वे कक्षा के वातावरण की आवश्यकता के अनुसार रणनीतियों को अपना सके ठीक है आगे चलते हैं पिछले अनुभव का के उपयोग का सिद्धांत यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करना है ठीक है तो टीचिंग करते हुए शिक्षण करते हुए आपको हर साल अलग अलग तरीके के विद्यार्थियों से मिलने का मौका मिलता है ठीक है तो ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको चैलेंज देते हैं चैलेंज देते नहीं वैसा नहीं कि आपको चुनौती दे दी हाँ भाई मैम पढ़ा के दिखाऊ मैं ऐसे चैलेंज नहीं जिनको उस विषय को वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं या फिर वो ऐसी ऐसी चुनौतियां आपके सामने लाते हैं कि आपको वो टेक्निक सीखनी पड़ती है कि इस तरीके के प्रश्न पर इस तरीके के सवाल पर मैं किस तरीके की प्रतिक्रिया करूं कि बच्चे को बेहतर तरीके से समझ आ जा जाए तो वो चैलेंज की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो इसलिए पिछले अनुभव के उपयोग का सिद्धांत यहाँ पर ला रहा है कि प्रभावी शिक्षण में शिक्षक को छात्र के पिछले ज्ञान के बारे में जानने के लिए प्रश्नों के साथ पाठ शुरू करना चाहिए और पूर्व ज्ञान संज्ञानात्मक भार को कम कर सकता है जिससे कि बेहतर सीखने की व्यवस्था होती है ठीक है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करके न्यू नॉलेज बच्चे को दी नया ज्ञान बच्चे को दिया प्रीति विष्णी कह रही है मैं याद दिलाया करती थी कि आज तो टेस्ट है और ऐसे बच्चे हम जैसे बच्चों का कल्याण कर देते थे क्लास में कई बच्चे होते थे ऐसे क्लास में नहीं मैम टेस्ट है ऐसा लगता था फिर सब लोग उस पर चढ़ पड़ते थे कि चुप हो जा चुप हो जा है ना बड़ी मुश्किल आ जाती थी ऐसे बच्चों से बाल केंद्रता का सिद्धांत यानी कि स्टूडेंट सेंटर ये वही प्रक्रिया है जो कि शिक्षण को लोकतांत्रिक बनाती है डेमोक्रेटिक बनाती है ठीक है शिक्षण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक कब होगी जब वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी जब वो शिक्षार्थी केंद्रित होगी और यही एक बेहतर व्यवस्था है ये स्टेटमेंट ही आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षण का स्वरूप छात्र केंद्रित होना चाहिए जब छात्र केंद्रित स्वरूप होगा तभी वो व्यवस्था जो है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपको ध्यान में रखना है चाइल्ड सेंटर्ड सेंटर्ड स्टूडेंट अप्रोच हमेशा अपनानी चाहिए एक टीचर को और यही व्यवस्था एक बेहतर व्यवस्था है तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है जिसमें स्टूडेंट एक्टिव रहता है शिक्षक जो है वो उसका सूत्रधार है इसलिए शिक्षण बच्चों की आवश्यकता योग्यता रुचि के अनुसार होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको पीछे भी कहा था ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है रुचि रुझान जरूरत आवश्यकता क्षमता और इन सब चीजों को शिक्षण गतिविधियां आधारित इनके अनुसार होनी चाहिए ताकि छात्रों को सक्रिय प्रतिभागी के साथ प्रतिभागियों प्रति के साथ सिखाया जा सके ठीक है आगे कह रहे हैं व्यक्तिगत भेद के लिए प्रावधान करने का सिद्धांत है यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस दि, को ध्यान में रखना है हर बच्चा खास है ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और हर बच्चे का सम्मान करना है और उसी के अनुसार जिस तरीके की उसकी पोटेंशियल है उसी के लेवल पर जाकर के आपको उसको चीजें सिखाने की कोशिश करनी है ये नहीं कि इतना भी नहीं आता तुम इतने नलायक हो तुम्हें यह भी नहीं आता कितनी बार बताऊं तुम्हें तुमसे चुप नहीं हुआ जाता कितना क्वेश्चन करते हो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस क्लास में जब टीचर एक टीचिंग कर रहा है तो कई बार एक परंपरागत जो सत्तावादी शिक्षण का अर्थ ले, ले लेता है शिक्षण से तो वो कई बार इस तरीके के बच्चों से कई बार इस तरीके से बातचीत हो जाती है जो कि गलत तरीका है है ना तो हमें क्या करना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना है हर बच्चे को खास मान के चलना है और उसी के लेवल पर जा करके अपने शिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है जैसा कि हम जानते हैं हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है शिक्षक को पढ़ाने के समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उसे बच्चों की योग्यता रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए चलिए अब यहां पर बात की गई है वास्तविक जीवन से जोड़ने के सिद्धांत की यानी कि जैसा मैंने पीछे कहा रियल लाइफ सिचुएशन से चीजों के एग्जाम्पल दे दे के आप बताओगे तो वो लर्निंग ज्यादा प्रभावी रहती है वो लंबे समय तक दिम, दिमाग में रहती है तो यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में आया उसके अनुसार एक स्टेटमेंट दी हुई है ये कई बार इस तरीके के आपसे पूछ लिया जाता है कि आ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है तो यहाँ पर क्या है शिक्षा स्कूल की चार दीवारों के से परे होनी चाहिए <coughs> शिक्षण को दैनिक जीवन के वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना जोड़ा जाना चाहिए यह न केवल छात्रों को प्रेरित करता है बल्कि उन्हें सबक सीखने में भी आसान बनाता है शिक्षण में पाठ शिक्षक को छात्रों को दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं जैसे जैसे शिष्य बड़ा होता है वह अपने ढंग से अपने संसार की कल्पना करने लगता है इस प्रकार शिष्य उन विषयों या गतिविधियों में अपनी रुचि दिखाता है जो कि उसके क्रमिक आ, कार्मिक जगत से जुड़ी होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ना चाहिए अन्य विषयों के साथ सह संबंध का सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए आप कई सारे विषय पढ़ रहे हैं स्कूल लेवल का ही एक उदाहरण में पढ़ा सामाजिक विज्ञान विज्ञान आपने पढ़ा आपने पढ़ा गणित आपने पढ़ा और भी जितने भी विषय आपके होते हैं ठीक है ये सारे विषय पढ़ रहे हैं लेकिन ये सारे विषय एक जुट लगने चाहिए ऐसा ना हो कि वो बिखरे प्रकरण लगे है ना ऐसा ना हो कि वो बिखरी चीजें लगे वो कहीं ना कहीं वो पाठ्यक्रम एकजुट लगना चाहिए जब आप ओवरऑल चीजें पढ़े तो कहीं ना कहीं एकीकृत एक 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 रूप में आप पढ़े एकीकृत एक एक रूप में पढ़ने से तात्पर्य क्या है कि सारी चीजों को आपने एक दूसरे के साथ लेकर के चलना है इतिहास आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का उदाहरण दे रही हूं इतिहास आप पढ़ रहे हैं आप भूगोल पढ़ रहे हैं आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों को आपस में मेल जो मेलजोल करता हुआ होना चाहिए विषय वस्तु ताकि समस्त सामाजिक अध्ययन आपका हो पाए ठीक है और वो सामाजिक अध्ययन प्रोग्रेसिव होता होता जाए आपका ठीक है आप कुछ चीजें भूगोल में पढ़ रहे हैं कुछ चीजें आप साइंस में पढ़ रहे हैं है ना तो आप एक दूसरे से इंटर रिलेट करके उन चीजों को पढ़ सके ना कि ऐसा लगे कि भाई ये तो बिखरे हुए प्रकरण है कुछ समझ ही नहीं आ रहा अगर आपको सारा पाठ्यक्रम हुआ मिले तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा है ना लेकिन वही आपको एक क्रमिक रूप से अगर वो पाठ्यक्रम मिल जाए एकीकृत रूप से आपको वो पाठ्यक्रम मिल जाए तो समझना और आसान हो जाता है है ना तो ये वही चीज है तो इसलिए कहा गया अन्य विषयों के साथ सहसंबंध यानी इंटर रिलेट करते हुए जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे लर्निंग और बेहतर हो पाएगी इसलिए अन्य विषयों के साथ सहसंबंध करने का सिद्धांत यहां पर कहा गया है विषयों की विषयों में रुचि पैदा करने के लिए एक विषय को दूसरे विषय के साथ को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए प्रभावी शिक्षण और शिक्षक छात्रों को समग्र विकास के लिए एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ता है अब यहां पे अगला सिद्धांत है प्रभावी रणनीति और शिक्षण सामग्री का सिद्धांत यानी कि जिस जब जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय के अनुसार आपने क्या चुनना है रणनीति चुननी है कि इस विषय को और इस तरीके के विद्यार्थी को मैं किस तरीके से इस विषय वस्तु को पढ़ा सकती हूँ सही रणनीति का चयन ये कहलाएगा है ना कुछ बच्चे जैसे क्लास में होते हैं बहुत बदमाश हैं हाइपर एक्टिव हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं अब उनकी जो हाइपर एक्टिवनेस है उसको कैसे संभाला जाए कि वो पढ़ने में ध्यान लगा दे है ना तो ऐसे में आप क्या करेंगे अत्यधिक प्रतिभावान बच्चा है आप सभी बच्चों के साथ उसको लेकर के चल रहे हैं तो वो बच्चा क्या करेगा खाली समय में बर, वो कुछ ना कुछ बदमाशी ही करेगा ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप उसको अतिरिक्त कार्यभार देंगे उस बच्चे की पोटेंशियल ज्यादा की है उसको थोड़ा और दे देंगे ताकि जब बच्चे अन्य बच्चे जो सामान्य है एवरेज बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे तो तब तक वो एक्स्ट्रा चीजें सॉल्व कर सके तो उनकी जो एनर्जी है उस वो चैनलाइज हो जाएगी तो इसीलिए प्रभावी रणनीति बनानी है विषय के अनुरूप भी और शिक्षार्थी के अनुरूप भी साथ ही जिस विषय के लिए जिस तरीके की शिक्षण सामग्री चाहिए विषय को बेहतर समझाने के लिए उस विषय वस्तु को उस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए समझाना चाहिए तो यहाँ पे कहा का। है शिक्षण में प्रभावी रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षक को प्रभावी शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए ताकि छात्र अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर सके और शिक्षण सहायक सामग्री और अन्य शिक्षण सामग्री को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके सक्रिय भागीदारी और भागीदारी का सिद्धांत यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की है जिसमें आपने फीचर्स में भी पढ़ा विशेषताओं में भी पढ़ा कि हाँ भाई शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए इंटरेक्टिव कब होगी जब स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन एक्टिवली होगा है ना शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में तो यहाँ पर यही कहा है आधुनिक समय में शिक्षा शिक्षण और सीखना बाल केंद्रित होना चाहिए ताकि बच्चे सीखने के सक्रिय रूप से भाग ले सके शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र शामिल हो सके और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सगरी भागीदार बन सके तो सीखने की स्थिति में रचनात्मक योगदान विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए शिक्षक विद्यार्थी में नवाचार की आदत विकसित करनी चाहिए नवाचार क्या है नई नई चीजें जो सामने आ रही हैं शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में कुछ नए स्किल है नए तरीके हैं या कोई नया कॉन्सेप्ट आया है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने चीजों को पढ़ाना चाहिए अगली चीज कह रही है शिक्षार्थी को सहानुभूतिपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और यदि एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए पर्याप्त सहानुभूति प्रदर्शित करता है तो विद्यार्थी के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन हो जाता है बच्चा हमेशा अपने टीचर से ज्यादा कनेक्ट करता है, है ना बचपन से ही एक हैबिट होती है और बचपन से क्या बड़े होने तक उसे टीचर से बड़ी हैबिट होती है मैं अपना एक रियल लाइफ सिचुएशन का एक उदाहरण देती हूँ अभी तक स्कूल लेवल तक मैं ऐसे स्कूल में थी मेरा टेंथ तक तो दोनों माध्यम से था Uh, क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम तक था लेकिन सोशल साइंस हमारी प्रारंभ से ही हिंदी में रही है ठीक है सोशल साइंस प्रारंभ से ही हिंदी में रही यानी कि सिक्स क्लास से हमारी सोशल साइंस जो है वो हिंदी में हो गई थी और इलेवेंथ ट्वेल्थ में मैंने फिर सोशल साइंस ही चुना साइंस स्ट्रीम छोड़ दी तो ऐसी स्थिति में इलेवन ट्वेल्थ से फिर मेरा माध्यम ही पूरी तरह से हिंदी हो गया अब अभी तक मैं पूरी तरह से के हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ती आ रही थी तो हिंदी माध्यम से स्कूल में पढ़ने के कारण इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि वहां पर सभी बच्चे जो थे वो हिंदी माध्यम के थे अब स्कूल छूट गया बारहवीं पास हुई और एडमिशन हो गया नॉर्थ कैंपस के इंद्रप्रस्था कॉलेज में ठीक है अब वहां पर जब मैं देखूं तो हिंदी कोई बोले ही ना ऐसा लग रहा था जैसे किसी विदेश किसी दूसरी दुनिया में मैं आ गई हूं शायद यहाँ पे सब अंग्रेजी ही बोलते हैं ऐसी स्थिति में मेरी स्थिति हो गई बड़ी उपेक्षित मुझे अंग्रेजी ना आए और बच्चे वहां पे अंग्रेजी में ना बोले वो हिंदी में ना बोले वो अंग्रेजी में ही बोले टीचर भी हिंदी में ना पढ़ाए अंग्रेजी में ही पढ़ाए ऐसा लगता था उनको हिंदी आती ही नहीं है मुझे वहां पर एक ऐसा लगा मैं किसी अन्य जगह में आ गई तो बस मैंने घर आके रोना शुरू किया और रोते रोते अपने पापा को बोला कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना उस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ना तो कारण दिया गया नहीं वहां पे कोई हिंदी नहीं बोलता है वो कोई हिंदी नहीं बोलता है सब अंग्रेजी में ही वहां पर बोलते हैं टीचर भी इंग्लिश में पढ़ाती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आता तो उस चीज को लेकर के मैं इतनी इतनी हताश हो गई इतनी निराश हो गई कि भाई बहुत परेशान हो गई फिर मैं गई अपने डिपार्टमेंट की एच के पास ठीक है मैंने उनको ये चीज बताई कि मैं तो हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई हूँ और मुझे हिंदी आती है अंग्रेजी मुझे आती ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं वाकई में किसी विदेश में आ गई लू जबकि मैं थी दिल्ली में ही ठीक है अब वो टीचर मुझे समझाने लगी वो समझा भी अंग्रेजी में ही रही थी मुझे अब मैं फिर परेशान की मैं दुखड़ा लेकर के अपने टीचर के पास आई कि शायद वो मेरा कुछ मार्गदर्शन कर सके और ये टीचर मुझे समझा भी अंग्रेजी में ही रही है तो ऐसी स्थिति में बड़ी परेशान फिर घर गई तो घर में जाकर के भी ये सिचुएशन बताई ऐसी ऐसी सिचुएशन है और घर में जाकर के जो डांट पड़ी डांट क्यों पड़ी कि चुनौतियों से घबरा रहे हो जब चैलेंज आ रहे हैं लाइफ में और कुछ सीखने को मिल रहा है तो घबरा करके घर में आकर के के रो रो रहे रहे हो 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 लोग लोग पागल रहते हैं ऐसे ऐसे कॉलेजों में एडमिशन लिए और तुम परेशान गए भाई घर में घर वालों ने ये फटकार लगाई और वहां पर कुछ समझना है तो ऐसी स्थिति में एक मध्य मार्ग मैंने चुना और मध्य मार्ग क्या था कि भाई बैठे रहो अंग्रेजी में कुछ तो समझ आएगा ही तो पूरी फोकस के साथ सुनने की कोशिश करती आप भाई बचपन से हिंदी भाषी रही हूं और हिंदी में ही टीचर पढ़ा रहे हैं हिंदी माध्यम से ही पढ़ी हूँ तो मेरे लिए तो बहुत चुनौती थी उस तरीके से पढ़ना तो धीरे धीरे हमने क्या किया अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सीखने लगे ठीक है अंग्रेज जो भी टीचर इंग्लिश में पढ़ाता था या फिर जो भी नोट्स वगैरह देता था जिसका भी वो बताता था कि ये ये चीजें पढ़नी है उसको हम ट्रांसलेट करने लगे हिंदी में ठीक है अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने लगे हमने एक संक्षिप्त मार्ग चुना ठीक है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे तब भी हमने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि हम हिंदी माध्यम छोड़ दें और अंग्रेजी माध्यम में ही अपना जो है वो विषय वस्तु को कवर करने लग जाए हम ट्रांसलेट करते थे बड़ी ईमानदारी से मतलब सोचो कितने प्रवीण हो गए थे कि अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते थे खुद से ही चाहे डिक्शनरी में एक एक शब्द ढूंढना पड़े लेकिन हमने फिर भी अंग्रेजी माध्यम नहीं स्वीकार किया तो ये क्या है हम क्या चाहते हैं अपने टीचर से ये उदाहरण मैंने क्यों दिया कि हम टीचर से क्या चाहते हैं सहानुभूति अब जब टीचर ने सहानुभूति तो प्रदर्शित की लेकिन वो सहानुभूति भी अंग्रेजी में ही थी तो वो सहानुभूति काम नहीं आई है ना तो ये है इसलिए शिक्षार्थियों को सहानुभूतिपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त सहानुभूति प्रदर्शित करता है तो वह विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है अब वहां पर मेरे लिए बैरियर था एक बाधक था लैंग्वेज ठीक है अब टीचर ने मार्गदर्शन तो दिया पर वो लैंग्वेज बैरियर बन गया तो उसमें दोनों की ही कोई गलती नहीं थी ग्रेडेशन का सिद्धांत शिक्षक को चयनित सामग्री को क्रमिक रूप से ग्रेड करने में मदद करता है और सामग्री को तार्किक तरीके से प्रस्तुत करने में उसकी मदद भी करता है आगे चलते हैं अनुकूल वातावरण और उचित नियंत्रण का सिद्धांत यहां पर हम बात कर रहे हैं <clears throat> शिक्षक को ऐसा अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए कि एक सीखने के लिए एक प्रेरक कारक बन जाए प्रकाश फर्नीचर और अन्य आवश्यक संसाधनों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षक को सहानुभूतिपूर्ण होकर उचित आदेश और अनुशासन बनाए रखना चाहिए लेकिन साथ ही उसे दृढ़ भी होना चाहिए अब ये संक्षिप्त में हम सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देख लेते हैं जिसको कि हमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक को अनुसरण में लाना चाहिए प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करनी चाहिए उनके रुचि रुझान जो हम कह रहे हैं ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए डिविजन और व्यायाम का सिद्धांत होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चे की हो जाए पुनरावृत्ति भी बच्चे की हो जाए परिवर्तन विश्राम और मनोरंजन का सिद्धांत मजे मजे में खेल खेल में बच्चे को पढ़ाओ प्रतिक्रिया फीडबैक लो बच्चे का समय समय पर उनको री करो पुनर्बलित करो हाँ तुम बेहतर कर रहे हो और बेहतर कर सकते हो ये समय समय पर आपको करना है बच्चे के साथ सिंपैथी रखो सहानुभूति रखो ठीक है सहयोग का सिद्धांत ये शब्द ध्यान में रखना सहानुभूति और समानुभूति सिंपैथी और इम्पैथी इससे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं बेहतर क्या रहेगा एक टीचर को सिंपैथी रखनी चाहिए या इम्पैथी सहानुभूति रखनी चाहिए या फिर समानुभूति तो आपको ध्यान में रखना है सहानुभूति थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आ जाता है एक शिक्षक के अंदर शिक्षार्थी के प्रति समानुभूति का गुण जो है वो होना चाहिए समानुभूति समानुभूति से तात्पर्य है अपने आप को सामने वाले की सिचुएशन पर रख करके देखना ठीक है सहानुभूति में एक दया का भाव आ जाता है तो एक टीचर के अंदर समानुभूति का गुण जो है वो होना चाहिए स्टेटमेंट आपसे पूछ ली गई है प्रीवियस ईयर में ठीक है सहयोग का सिद्धांत आ गया, गया प्रशिक्षण और इंद्रियों इंद्रिया प्रदान करने इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत ठीक है जिसका जो स्किल कमजोर है उस स्किल की जगह कोई दूसरी स्किल जो है उसकी बेहतर बना सकते हो इस तरीके से बच्चे को ट्रेन किया जा सके समूह की गतिशीलता का उपयोग करने का सिद्धांत ग्रुप में काम करें ग्रुप में सीखें समूह में सीखें किसी की कोई चीज अच्छी है किसी की कोई चीज अच्छी है तो सब आपस में मिलजुल करके सीखेंगे तो समूह में सीख गई चीज जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखी जाती है स्वशिक्षा को प्रोत्साहन करने का सिद्धांत स्वयं से अपनी समस्या का समाधान करने की बात इसमें कही गई है रचनात्मक और आत्मअभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सिद्धांत क्रिएटिविटी डेवलप की जाए बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप की जाए उपचारात्मक शिक्षण क्या करना है रिमीडियल कब करेंगे जब डायग्नोस करेंगे जब निदान करेंगे तभी उपचार करेंगे निदान में समस्या का पता लगाना और समस्या का पता लगाकर फिर उसका उपचार करना तो ये सारे सिद्धांत हैं जो शिक्षण करते हुए हमें अपने दिमाग में रखने हैं ठीक है ठीके? और जब क्वेश्चन आते हैं तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें शामिल हो सकती है जैसे यहां पर मैंने आपको बताया सहानुभूति की जगह अगर समानुभूति आता है तो वो एक बेहतर विकल्प रहेगा सिंपैथी नहीं बल्कि इम्पैथी ठीक है सिंपैथी में थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आ जाता है नेगेटिव तो नहीं है लेकिन थोड़ा नेगेटिव आ जाता है लेकिन इम्पैथी में कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख के देखने का भाव आता है तो ये एक बेहतर गुण है ठीक है <coughs> तो यहां पर हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कक्षा को रोचक बनाने के लिए शिक्षण के सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण के उपरोक्त सिद्धांत के बारे में ज्ञान जो है वो होना चाहिए और शिक्षण के सिद्धांत शिक्षण की रणनीति शिक्षण के तरीकों और उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग सहित शिक्षण के हर चरण में शिक्षण की मदद जो है ये करते हैं यदि शिक्षक सभी सिद्धांतों का पालन करेगा तो छात्र प्रेरित हो सकता है और आसानी से उसकी लर्निंग जो है वो हो सकती है ठीक है चलिए तो आज के लिए हम यहां पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं आपने करीबन डेढ़ घंटा पहले टॉपिक को दे दिया रेगुलर डेढ़ घंटा देंगे ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ सके ठीक है और कोई पॉइंट ना छूटे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आई होंगी कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है हां जी देखिए अंग्रेजी से घबराइए मत इतना घबराने की जरूरत नहीं है ये जो नोट्स आपके सामने मैं लेकर के आती हूँ स्लाइड्स पर ये मुझे अंग्रेजी में ही मिलते हैं यहां पर भी मैं अपनी वो स्किल जो मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर सीखी थी क्योंकि हिंदी माध्यम के अभ्यार्थियों को हिंदी में बहुत कम सामग्री उपलब्ध होती है ये प्रॉब्लम मैं जानती हूँ तो आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ वो स्किल जो मैंने डेवलप कर ली है अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उस स्किल का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ ट्रांसलेट कर करके आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ कई बार गूगल ट्रांसलेशन भी होता है तो गूगल ट्रांसलेशन में भी कई एरर्स आ जाते हैं है ना तो उसको भी करेक्ट करना होता है कि सही अर्थों में ये चीज प्रेजेंट हुई है या फिर नहीं हुई है <coughs> चलिए तो उम्मीद है आपने ये सेशन इंजॉय किया होगा जितने भी बच्चे जुड़े रहे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप अन अकेडमी का कोर्स लेना चाहते हैं तो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप चाहें अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना तो मेरा रेफरल कोड आपको याद रखना है जो कि है एल आई E जे जे ठीक है लाइव जे जे ये कोड इस्तेमाल करेंगे फी में टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से जो भी आपकी मदद हो सकती है एकेडमिक लेवल पर वो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी ठीक है तो जितने भी बच्चे जुड़े रहे बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में <coughs> चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ कहना चाहते हैं हां जी क्लास जो है सेवन थर्टी पे डेली चलेगी ठीक है सेवन थर्टी पे डेली चलेगी वीडियो को लाइक शेयर सभी ने करना है शेयर कीजिए ठीक है ताकि सभी हिंदी माध्यम के अभ्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके जिनको भी आवश्यकता है पेपर वन की तैयारी की उन सभी को लाभ मिल सके ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे सेशन में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा सेशन के एंड में कमेंट कीजिएगा ठीक है चलिए सेशन को फिर एंड करते हैं और कल साढ़े सात बजे फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे शिक्षण अभिषमता के एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद